हेलो श्री राधे, समस्त धर्मों से आग्रह है कि आप संगले आज श्री सिंह की ये पुराण दिवस आपका यादव स्वागत अभिनंदन है। आज आप भी को प्रांत की भावना बीच मोहनदास दास व्यास पर गए हैं। मैं स्नापक का वो अग्रियंकर जो गुरुदेव का कल शासन होंगे सर पुराण रिंचट साहब आप गुरुदेव उपमात उनसे आग्रह प्राप्त उनके बाद आराम करने जितना मुकर गए थे श्री किशन जी थापरिया श्री शिवराम जी काकिठिया श्रीमती डेहरिया देसिंह जी माठ साहब डेहरिया नारायण सिमन डेहरिया श्री बलराम श्री बलराम चौहान भक मास्टर श्री सिंह गुरुदास श्री सेवक जी श्री अनोखी लाल जुटिया श्री यादव सतवास मुख्यपालिका श्री मित्तल सतवास श्री अभिनवास श्री राजेश मित्र सतवास श्री सर्वास पदम बोधा श्री अमृतर भैया श्री जगदीश मार्च श्री गुरु सरपंच भैया श्री जगदीश जी सरपंच मोहाई अशोक राठौर सरपंच यशवंत यादव सतवस दिलीप जी सरपंचन हीराल जी पहल बड़कन ब्राह्म इंजला श्री जी छरवाल नरेंद्र जी बंसल श्री अजीत मोटवाई सतवास श्री इमान एंटर सतवास डॉक्टर श्री राम यादव सतवास नोज नोकजा सतवास श्री मोदी सतवास अफजल खान अफजल चुवाला श्री वहीद पटेल बाड़ीवाला रहीश भाई बनारसी श्री रुपेश सिंघी श्री जायसवाल नीलेश जायसवाल श्री दाम राठौर राठौर श्री जगठौर श्री दीश राठौर दाबरी श्री अमराजी खली राणा श्री भागीरथ भट्टी अमरजीत दास सतवास श्री वे दरबार नगर के सतवास जोशी डॉक्टर बी यादव साहब श्री लक्ष्मी नारायण गुजर श्री पदम सिंह जी हरपुरा मान धनिया श्री संसार श्री अशोक जी बालाजी श्री सतरदार श्री सोनू भाई दरबार श्री पटेल वासला अंशीर जी भोजड़ा राम जी मंडिया देसिनिया बीमा एजेंट इंदौर प्रकाश तुलसीराम जी गुना दत्ता सतवास सत्यनारायण लखदौ इंदौर जी पाटिल नवलसर अरुण जी पटवारी जी भोपाल श्री गोलकर गुजर श्री जीवन सिंह राठौर अपना श्री विजय जी मीणा नर्मदा नगर श्री राजेश जी परियार नर्मदा नगर श्री गजानंद जी मालाकार पुनासा मान सिंह जी जगाती इंदौर आए और आशीर्वाद प्राप्त करें श्री जैन सिंह जी परियार श्री गोविंद पटेल पुनासा श्री गोलू पटेल गुजरखेड़ी श्री देवकरण जी भीलखेड़ी और श्री रमेश जी इंदौर आकर परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें श्री प्रेम सिंह जी बाबा भीलखेड़ी अति शीघ्र आते जाएं मैं श्री राजेंद्र यादव से आग्रह करूंगा कि वो हमारे संगीत के साथियों का पुष्पमाला से स्वागत करें राजेंद्र संगीत संगीत के कलाकारों का स्वागत हाँ और दे दो माला देवी सिंह जी पटेल ढाबड़ी अब स्वागत की इस बेला को यहीं पर विराम देते हुए मैं श्री जयनारायण जी यादव से आग्रह कर रहा हूं कि परम पूज्य गुरुदेव का पुष्पमाला अर्पित करें वंदन करें
हमारे संगीत कलाकारों का स्वागत करें। क्या नाम भैया जो स्वागत भैया संगीतकारों का स्वागत कर रहे हैं इंद्रलाल जी राठौर के साथ। अब आदरणीय भैया गुरुदेव को माल्यार्पण करेंगे। सिभाग जी डाबरी आप सब से कोई नाम भागीरथ जी डाबरी जाकर गुरुदेव को माल्यार्पण चरणदंड करेंगे। आप सब आग्रह अपना स्थान ग्रहण करें। बच्चों अपने पास बिठाएं ताकि में व्यवधान ना हो। अब हम परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद इस कथा का रसा पढ़ेंगे। आप ही से शांति पूर्वक स्थान ग्रहण करें। हेलो जय श्री राधे। सभी शांतिपूर्वक बजाएं। हमारे मध्य प्रदेश पूर्व मंत्री भाजपा नेता दीपक जी जोशी पधार रहे हैं कुछ ही समय के पश्चात परम गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। राजेश गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजेश आज बहुत ही पावन दिन है। हमारे सतवास नगर का सौभाग्य है ये पांच ही आयोजन क्षेत्र में संत श्री सिंगाजी महाराज की कथा त्रिपुराण का ये हमें जो अवसर दिया है भगवान ने। पिछले 8-10 माह से जो वैश्विक महामारी चल रही थी उसके चलते हुए इस तरह के आयोजन बंद थे, लेकिन प्रभु की कृपा मां नर्मदा की असीम अनुकंपा से ये क्षेत्र पावन क्षेत्र है और मां नर्मदा की कृपा से ऐसी कोई महामारी का यह प्रकोप हमें देखने को नहीं मिला। मां नर्मदा की कृपा हम सभी पर बनी हुई है और उसी का ही प्रतिफल है कि आज ये कथा हमें श्रवण करने का मौका अवसर हमें मिला है। श्री तकी नाकेदा आप आए और हमसे आशीर्वाद करें। कर दिए ना आप। हाँ लिमासा जाए तो साथ साथ करें। जी राणा और पूज्य गुरुदेव साथ करें। परिस्थान तस्मै
शारदा सरस्वती सद्गुरु श्रोता वक्ता शांति शांति वनस्पति शांति सब शांति हेलो मध्य प्रदेश शासन के पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय श्री दीपक जी जोशी परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इधर से भैया, इधर से सामने श्री दीपक जी जोशी पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन आशीर्वाद ग्रहण करने जा रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई सोहन पटेल, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भाई रमेश जी जायसवाल, व्यापारी एसोसिएशन सतवास के अध्यक्ष भाई हेमराज गोयल, जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष भाई कमलेश जी जोशी, सतवास नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भाई सत्यनारायण नोकजा भी परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। युवा नेता अंकित जायसवाल, लालू नागोरी, सेवक राम गुर्जर, संजय मालाकार, वर्मा जी भाई जगवाड़ा, बहुत ही पावन दिवस है हमारा राष्ट्रीय पर्व बहुत करवा राष्ट्रीय आज हम सबने बड़े उल्लास के साथ मनाया। आज बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाला दिन था जब राजपथ से
भव्य श्री राम मंदिर के बनने वाली झांकी देखकर इस देश के हजारों लाखों करोड़ों लोगों का मन गदगद हो गया। जब राजपथ से श्री राम मंदिर की भव्य झांकी उन्होंने देखी, बहुत ही पावन दिवस है। आप सभी की उपस्थिति में ये बहुत ही सुंदर प्रसंग हम सुनने को यहाँ मिलेगा। अब हम तुरंत मंच खाली कर दें। मैं परम पूज्य गुरुदेव से आग्रह करूंगा आपके श्री मुख से इस कथा का हमें श्रवण करवाएं। जय श्री राधे। सुमरा सिंगा जबरा
सदगुरु भगवान की जय। कहे मन रंग सुन रे पुता, अब घर अपने की करो संजोता। कहे मन रंग सुन रे भाई, बिन माया कैसे भक्ताई। पूजा अर्चा को माया दिनी,
सुमरण काजे रसना दीनी बिन माया परमारथ ना होई जैसे वस्त्र बिना नंगी दे परमारथ काजे काबड़ फेरी और कठिन भक्ति रामानंद केरी परमारथ तो कबीरा किनो वस्त्र फाड़ हाट में दीनो ऐसो परमारथ की जो एक चिता तब दर्शन दे श्री रघुवंता घर में रहे सोई जन साचा सो सेवा कहिए मन सा वाचा कै मन रंग शब्द हमारो आनी लीजो घर जाए सेवा सबन की कीजे मानी शब्द भयो लोलीना सदगुरु कहे सो निश्चय कीना मानी शब्द मंदिर आए कुटुम सहित सब सो पाए सिंगाजी बाबा ने सदगुरु से दीक्षा प्राप्त करके और जो आत्म अनुभूति उनको हुई आत्मा का जब अनुभव किया परमानंद का जब स्वाद चखा तो पूरा जगत नीरस लगने लगा बेस्वाद हो गया जैसे रस्सी सर्प दिखती थी परंतु प्रकाश जब हुआ तो सर्प की भ्रांति का निवारण हो गया भ्रांति दूर हो गई इसी प्रकार यह माइक जगत को जो सत्य समझकर पकड़ रखा था जिन वस्तु पदार्थों से ना तो रिश्तों से जो संबंध जो वृत्तियां उलझी हुई थी फंसी हुई थी जब सत्य का बोध हुआ तो आत्मानंद हो गए आत्माराम हो गए और शब्द सुनता साखी चढ़ाई अपने गुरु की करी बढ़ाई मूलाधार चक्र से सहस्त्र तार में पहुंच गए और वहां आत्माराम होकर झूम रहे हैं नाच रहे हैं करे कीर्तन निरत नाचे भीतर मोड़े अंग 525 को संग किया और नाचे निर्गुण की संग हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है जल वायु पृथ्वी अग्नि और आकाश अब पांचों तत्व की 5-5 तन्मात्रा हैं जिसे हम 25 प्रकृति कहते हैं बहुमत बना लिया 10 इंद्रियां 25 प्रकृति 11वां मन 5 प्राण सबको अंतर्मुखी बना लिया और आत्मा राम होकर अपने अंतःकरण में अपने मन को नचा रहे मनरंगीर बाबा समझ गए इसने अपनी खोई हुई ब्रह्मता को प्राप्त कर लिया तो पहले तो सब छीन लिया था जब दीक्षा लेने के लिए गए थे तो पूरा संसार खाली करवा लिया था कि सब मेरे को दे दे और जो गुरु ने दिया उसको रख लिया पूरा पात्र खाली और सदगुरु ने जो उपदेश किया जो मार्गदर्शन किया जो शब्द दिया
उसको अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में समाहित कर लिया। मनरंगीर बाबा कह रहे हैं कि आप वापस जाओ, एक साधक को, एक संत को, एक तपस्वी को, एक ब्रह्म के ऊपर जो आचरण करता है उस व्यक्ति को संसार में कैसे रहना चाहिए यह कला सिखा रहे हैं। जीतो तो सभी हैं, कीट से पतंग तक सब जीवन जीते हैं और वो ज्ञान सबको है। सबके यहां संतान होती है, पशुओं के यहां भी, पक्षियों के यहां भी, मनुष्य के यहां भी, एक पेड़ से दूसरा पेड़ पैदा होता है, सबके यहां होती है। इंद्रिय जन ज्ञान सबको है, परंतु हम में उतना ही ज्ञान है, निंद्र, आहार और मैथुन, ये तीनों क्रियाएं का ज्ञान हमको है। बाकी इस बात से हम अनभिज्ञ हैं कि हम आए काय के लिए, इस जगत में हमारे आने का उद्देश्य क्या है, यहां हमें क्या करना चाहिए। उस परमात्मा ने ये मानव शरीर, ये सुंदर साधन देकर हमको इस मृत्यु लोक में क्यों भेजा गया है। अनभिज्ञ है। ये बोध जब सिंगाजी बाबा को हुआ तो गुरु के चरण पकड़ लिए और वहां से आने के लिए राजी नहीं है। हे गुरुदेव, अब वापस उस माइक जगत में मुझे मत भेजो, माया के संग मैं बहुत दुख पायो, जासे शरण तुम्हारी आयो। 39 वर्ष की आयु इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत में कई प्रकार के सुख के संसाधन हैं, पर तृप्ति, मांगने वाले का पात्र भरा जाएगा, भिक्षा पात्र भर सकता है, लेकिन इच्छा पात्र मौत के घाट पर उतार देगा तुमको ले जाकर, पर इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी, कभी वासना खत्म नहीं होगी। हमने सारे संसार के सुखों को भोग लिया अभी तक, पर क्या तृप्ति है अभी तक? एक लाभ हुआ तो लोभ पैदा, एक इच्छा पूरी हुई तो सैकड़ों इच्छा जन्म लेती है। गुरु महाराज, अब शेर के मुंह से निकालकर वापस यार के मुंह में मत भेजो, अब तो मुझे अपना घर मिल गया, मैं तो इस भौतिक संसार को ही अपना मानता था, सारे नाते रिश्तों को अपना मानता था, इस शरीर को मैं मानता था, लेकिन जब से आपने मेरी भ्रांति का निवारण किया है, जब तक आपने मुझे मेरे निज घर में भेजा है, निज घर आत्मा का जो घर है, वहां जाकर सिंगाजी बाबा को बिठा दिया। अष्टावक्र जनक जी के पास जब पहुंचे, विद्वानों का सभा लगा था, वहां पर शास्त्रार्थ चल रहा था कि कोई ब्रह्म को सिद्ध करके दिखा दे, ब्रह्म पर व्याख्या चल रही थी, देश विदेश के पूरे भारत वर्ष के सारे विद्वान जनक की सभा में खचाखच दरबार भरा हुआ था। अष्टावक्र के पिता सारे विद्वानों से आगे हो गए, लेकिन एक विद्वान से पिछड़ रहे थे। अष्टावक्र की आयु 8 वर्ष की थी, जब उनको पता चला कि अपने पिताजी किसी विद्वान से पिछड़ रहे हैं, तो अष्टावक्र गर्भ से बोल दिए थे, गर्भ में से उनके पिता वेद का उच्चारण कर रहे थे, तो कोई मंत्र की मात्रा में गड़बड़ी आ गई, तो वो गर्भ में से बोल दिए कि पिताजी यह श्लोक आप गलत बोल रहे हो। तो पिताजी ने उनको श्राप दिया था कि जा तू आज 8 जगह से टेढ़ा हो जा, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। अब वो विद्वानों की सभा में जब अष्टावक्र जी पहुंचे,
तो अष्टावक्र के शरीर को देखकर सब लोग कि अजीब मनुष्य आया है जो आठ जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, सब देखकर हंसने लगे। थोड़ी देर रुककर अष्टावक्र जी फिर बहुत जोर से हंसे। महाराज जनक उठे कि प्रभु, इन लोगों की हंसी के कारण को मैं जान गया। क्यों हंसे? आपके शरीर को देखकर इनको हंसी आई, लेकिन आपके हंसी का कारण मैं जानना चाहता हूं, क्यों हंसे? अष्टावक्र कहा कि महाराज जनक, मुझे इस बात की हंस रही है और भीतर पीड़ा भी हो रही है कि चमारों की सभा में ब्रह्म का निरूपण हो रहा है, जो सिर्फ चमड़े को देख रहे हैं, जिनके पास तत्व वाली दृष्टि नहीं है, आत्मा को देखने की आंख नहीं है, वो ब्रह्म का क्या निरूपण कर पाएंगे, वो ब्रह्म को क्या जान पाएंगे और क्या दूसरों को जना पाएंगे? ये तो चमड़े के पुजारी हैं, चमारों को चमड़े की परत होती है। मेरे भीतर जो आत्म तत्व है, जो ईश्वर तत्व है, जो चेतन तत्व है, उसके ऊपर इनकी दृष्टि नहीं है, ये सिर्फ चमड़े वाले हैं। महाराज जनक आधे तो ब्रह्मज्ञानी पहले से ही थे, समझ गए कि अब मुझे पूरा गुरु मिल गया, आज मेरा काम बन जाएगा। अष्टावक्र जी के चरण पकड़ लिए। प्रभु, मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार कराएं, ब्रह्म क्या वस्तु है? जनक ने कहा, अष्टावक्र जी ने उनसे कहा कि जनक, विषयों को विष के समान छोड़ दो, विषयों को विष के समान छोड़ दे और ब्रह्म हो जाए। ब्रह्म तो ऑलरेडी है ही, पाया कहे वह बावरा, खोया कहे वह क्रूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों न वह कोई खोया है और न किसी ने उसको पाया है। अगर पाया है तो मैं कहूंगा कि वो कोई काल्पनिक भगवान हो सकता है। अगर किसी ने भगवान देखा है और कोई गुरु भगवान दिखाने की को चैलेंज करता है तो मैं उससे पूछूंगा कि देखने वाला कौन है। मैं उससे पूछूंगा कि जो भगवान को देख रहा है वो देखने वाला कौन है? क्या जीव भगवान को देख सकता है? सूर्य को देखने के लिए बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी, सूर्य को जानने के लिए कोई दूसरे प्रकाश की या दूसरा सूर्य पैदा करना पड़ेगा। सूर्य अपने आप में स्वयं प्रकाशित है, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयं प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए कछु दियाघ्रत बाती। जय हो। अपने आप को जानने के लिए किसी दूसरे की आंख की आवश्यकता नहीं है। पंडाल में कोई अंधा व्यक्ति बैठा हो, निरंजन अंधा, जन्मजात अंधा हो, जिसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो बताओ उसको बैठा हुआ कौन दिखाएगा, कौन देखेगा? अंधे को बैठा हुआ कौन दिखाएगा? वो अपने आप को बैठा हुआ देखना चाहता है, कौन दिखाएगा? कोई उसको बैठा हुआ दिखा सकता है? उसको पड़ोसी की आवश्यकता पड़ेगी कि जरा देखना मैं बैठा हुआ हूं क्या, आंखें नहीं है। फिर भी वो अपनी समझ की आंख से, अपनी अनुभव की आंख से अपने आप को बैठा हुआ महसूस, बैठा है अंधा, पर वो पड़ोसी से पूछेगा नहीं कि जरा देखना यार मैं बैठा हुआ हूं क्या, पूछने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो खुद देख रहा है अपने को, अपने को चलते हुए देख रहा है, अपने को खाते हुए देख रहा है, अपने रहा है, अपने को देख रहा है, उसकी हर क्रिया वो देख रहा है। आंखें नहीं है फिर भी देख रहा है, किस आंख से? कौन से? वो तीज, वो मन की आंख है, वो अनुभव की आंख है,
और वो आंख खोलना पड़ेगा। जब ही तुम्हारा बड़ा होगा, नहीं तो चौरा भटे भूंजते ही रहोगे, कल्याण होने वाला नहीं है। उस लेवल पर जाना पड़ेगा, उस तल पर जाना पड़ेगा। अगर होना चाहते हो, भगवान को चाहते हो, इस संसार दुखते हो, बात को सिंगार कर। आज सिंगाजी बाबू का पूरे नाते रिश्तों का इस माइक जगत का अंतःकरण से परित्याग कर दिया। नाटक नहीं, कई लोग जगत छोड़ने का नाटक भी करते हैं, नाटक नहीं, हकीकत 100% मन सिलेंडर हो गया। वैसे हम लोग भी नास्तिक नहीं, पंडाल में बैठे तो क्या सब नास्तिक थोड़ी है, हम भी आस्तिक हैं, हम भी भगत हैं। पर इस संसार में दो प्रकार के भगत हैं, एक होता है ज्ञानी भगत और एक है एक अज्ञानी भगत, दो भगत। फूफा जी की कथा चल रही तुम्हारी घुसुर घुसुर, अरे थोड़ा समय है। झेलो दो एक घंटा तो थोड़ा झेलो। तुम बात तो फिर मेरे मन होता है बात करने का, मैं अब कथा भूल गया। मैं आपका मुझे सहयोग, आप लोग मुझे अच्छा सहयोग दोगे तो मैं खोपड़ी लड़ाई को क्लियर कर, आत्मविवाह हुआ विषय है वो मिल जाए, चार दिन लग जाएंगे। वक्ता थोड़ी बोलता है, श्रोता बोलता है। आपकी जिज्ञासा इस व्यास पीठ से टकराती है, आपकी तड़प आपकी जिज्ञासा कितनी है, आपका भाव इस पीठ से टकराता है और रिटेन होकर वापस आपकी तरफ जाता है। फूफा जी को तो मैंने एक माध्यम बनाया है, वो कोई गलत आदमी नहीं है। कोई चर्चा करते होंगे, अच्छी चर्चा करते होंगे, पर किसी के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हमको सबको गीता सुनने को मिली कि नहीं? गीता का माध्यम कौन बना? गीता का माध्यम कौन बना? अर्जुन बना। तो आप तो अर्जुन हो यार। भागवत का माध्यम कौन बना? परीक्षित। परीक्षित को अगर श्राप नहीं लगता तो भागवत हमको सुनने को मिलती क्या? नहीं मिलती। वो तो एक बार सूर्य को सुनाया था भगवान ने, आओ दोबारा फिर अर्जुन को, और अर्जुन को सुनाया तो हमको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो किसी के माध्यम से कुछ हो जाए तो एक पांव जनक जी ने घोड़े के पैगड़े पर रखा और दूसरा रखने के लिए गए। देखो जब जब जीव सिलेंडर हो जाता है, मन जब सदगुरु के सामने, संतों के सामने, भगवान के सामने जाओ, 100% गंगा जल की तरह पवित्र निर्मल हो जाता है, सिलेंडर हो जाता है, तो ज्ञान कितनी देर में होता है? एक पांव जनक घोड़े के ऊपर रख रहे पैगड़े, दूसरा पांव पैगड़े पर रखने के लिए गए, पूरा नहीं रखा, ऐसा ऊंचा है। इतने में जनक को समाधि, पर गुरु के आदेश का पालन किया पूर्ण रूप से कि विषय को जहर समझकर छोड़ दो। ये विषय ही हमें हमारे मार्ग में रोड़े बनते हैं, नहीं तो ब्रह्म को पाना, संसार को पाना तो बहुत दुर्लभ बात है, पर ब्रह्म को पाना बड़ी सरल बात है। कोई मन तो बनाए, अपने मन को कोई खड़ा तो करे, राजी तो करे। बेमन से मंदिर जाते हो, बेमन से सत्संग में जाते हो, बेमन से ध्यान योग करते हो, मन कहां है? मन है क्या? मन हाजिर नहीं है।
माला तो कर्म फिरे जीभ फिरे मुखमाय मनवा दसो दिशा फिरे ऐसा सुमिरन नाय। थोड़ी देर पर पूरे जाओ आधे अधूरे नहीं। तो हम भी भगवान के पास जाते हैं तो भगवान को बुद्धू बनाते हैं, अपनी समस्याएं लेकर जाते नहीं भगवान के पास। 99% लोग इस जगत को ही मांगने के लिए जाता है, भगवान बुखार ठीक हो जाए, भगवान कैंसर ठीक हो जाए, भगवान मेरा ये काम हो जाए, मुझे बेटा मिल जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरी नौकरी लग जाए। तो भगवान बुद्धू है। अरे बच्चा कभी सुई खेलने के लिए मंगेगा? महिलाएं कपड़े सीती है, उसके हाथ में सुई रहती है। छोटा सा बच्चा मचल जाए और वो सुई खेलने के लिए मंगे कि मुझे सुई दो, मैं तो सुई से ही खेलूंगा, तो उसको देंगे? देंगे क्या? क्यों क्यों नहीं देंगे? कि सुई से खेलना उसको हाँ कहीं हाथ पांव कर लेगा। इसलिए बच्चा जब लायक हो जाता है तब हम उसको 1000 का 500 का 2000 का नोट वो मांगता है तो देते, समझदार है, ये कहीं गलत उपयोग नहीं करेगा। लेकिन 2 साल का 4 साल का बच्चा कभी जिद पड़ जाए कि मुझे तो 2000 का ही नोट चाहिए, तो दोगे आप? जाओगे? नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? उसमें क्षमता नहीं है, उसके लायक नहीं है, उसमें ना समझिए। वो 2000 के नोट को फाड़ देगा, कहीं फेंक देगा। परमात्मा भी जगत पिता है, वो क्या है? जगत पिता है, हम उसकी तान है। जब एक पिता अपने पुत्र को ना समझी में 500 का नोट नहीं दे सकता तो वो परम पिता तुम जो मांग रहे हो उसको मालूम नहीं है कि इसके पास क्या कमी है, वो कैसे देगा? हाँ, लायक बन जाओ, तुम लायक बन जाओगे देने के लिए। पात्रता के ऊपर मिलती है हर चीजें, पात्र हो ना, जमा किया ही, भले तुम्हारे में जरूर बैंक पति हैं और दुश्मन हो बैंक में जा नहीं दुश्मन, और जी तो नहीं देगा। तो यहां संसार में हमारा सबका अपना अपना दिया हुआ मिल रहा है। अब दी कभी फूटी कौड़ी नहीं और आशा करते हो तो मिलेगी क्या? यहां तो जो दिया है वो लो, जो बो रहे हो वो काटो। तो जनक जी को 3 दिन तक समाधि लगी रही। कितने दिन? होश भूल गए, जनक जनक नहीं रहा। 3 दिन व्यतीत होने के बाद जब मंत्री परिषद में हो हल्ला हो गया कि महाराज जनक का पता नहीं है, गए कहां, 3 रोज हो गए। एक जरा सा बालक आया था उसने 3 रोज से ले गया, पता नहीं। राजसी जत्था ढूंढने के लिए निकला, महाराज जनक को जंगल में जाकर देखा, एक पांव घोड़े पर है और एक ऊपर है और समाधि स्थिति में। अष्टावक्र ने उनको उतारा कि उतर जा, अब जहां है वहीं रहना, जहां तेरी स्थिति है, वृत्तियां जहां जाकर टिकी है वहीं टिकी रहने दे और अब नीचे आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि जनक ने फिर राजपाट छोड़ दिया, राजा बनकर रहे पर केसियर की तरह। केसियर नोट के ढेर पर रहता है रात दिन, रात दिन नोट में हाथ है, करोड़ों लेने वाले आते हैं और करोड़ों जमा करने वाले आते हैं। पर केसियर को कोई हर्ष शोक होता है? जिस दिन बहुत जमा करने वाले आ जाए, बैंक खचाखच भरा जाए, उस दिन केसियर खुशी मनाता है क्या? और जिस दिन निकालने वाले ज्यादा लोग आ जाए, बैंक खाली हो जाए, उस दिन रोता है क्या वो? क्यों? पैसा तो बदतमीज बना देता आदमी। उस केसियर को क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि केसियर उस धन को अपना
ये मेरा नहीं, मैं तो एक ड्यूटी दे रहा हूं। तो तुम भी एक केसियरी हो, बेटे जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा रिश्तेदार ये सब तुम लेकर आए थे क्या? आए जब कपड़े पहन कर आए थे, टोपी ओपी लगा के आए थे क्या? ये तो यहीं के लोगों ने व्यवस्था की है, यहीं मिली है और यहीं खो जाएगी। तो भगवान का समझकर अगर व्यवहार करते हो तो जगत का कोई विषय तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। खतरा कब है? मेरा पना, ये मेरा है, बस ये मेरा मानना ही हमारे लिए खतरे का, नहीं तो उपयोग करो। 5 दिन ये मंच पर बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, बड़ा उपयोग कर रहे हैं, पर 5 दिन बाद आराम के साथ छोड़ देना चाहिए। अपना नहीं है ये, तो भैया ने बैठने के लिए लगाया है। अब हम बैठे ही रहे हैं, कब्जे ही करके बैठ जाएं तो हमारे लिए खतरा खड़ा नहीं होगा। तो ऐसे ही संसार में जो चीजें जो वस्तु पदार्थ हमको मिले खाली उपयोग करते गए। कई लोग उपयोग करते और चले गए, तुम भी जाओगे। ये तो धर्मशाला है, ये मुसाफिर खाना है, सबको जाना पड़ेगा। यहां से किसी ने कुछ भी नहीं ले गया, आए थे जब तो कुछ लाए थे। बच्चे का जब जन्म होता है तो महिलाओं को मालूम है, बच्चों जब पैदा हो तो मुट्ठी कि ऐसे हाथ फैला कर आता है, ऐसी मुट्ठी बांध कर आता है। क्यों? उसमें उसने भक्ति लाया है। गर्भ में जब रहता है ना प्राणी तो ऐसा लटकता है, पैर ऊपर रहते हैं और सिर 9 महीने तक, और वहीं से मल जा रहा है, वहीं से मूत्र जा रहा है, वहीं से लार जा रहा है। इसको कुंभी पाक नरक बोलते हैं, गर्भवास नरक है सारा। नरक कोई अलग नहीं है, नरक और स्वर्ग तुमको बनाना पड़ेगा। अपने बाप का नौकर नहीं कोई अपने लिए स्वर्ग बनाएगा और नरक बनाएगा। हमको कहां रहना है उसका निर्माण हमको करना पड़ेगा, वो हमारे कर्मों के ऊपर है। हमारे कर्म कैसे हैं? तुम्हारी आय के ऊपर, तुम्हारी आमदनी के ऊपर तुम मकान बनाते हो, तुम्हारे हिसाब से सुख के संसाधन इकट्ठे करते हो ना। तो यहां तुम्हारे हिसाब से चलेगा और वहां कोई दूसरे के हिसाब से चलेगा। तुमने क्या किया है उसके लिए तैयार हो जाना। तो जब वो प्राणी लटक रहा है तो वो परमात्मा से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना कर रहा है वो प्राणी? नर तू भजिल सिर जन हारो या देही अमोलक जाय। नर तू भजिल सिर जन हारो या देही अमोलक जाय। नर तू भजिल सिर जन हारो या देही अमोलक जाय। नर तू भजिल सिर जन हारो या देही अमोलक जाय। गर्व में करार के नादे हरि मैं तेरा भजन करूंगा जी। गर्व में करार के नादे हरि मैं तेरा भजन करूंगा जी। करार के नादी हरि मैं तेरा भजन करूंगा रे। गर्व में करार की नादी हरि मैं तेरा भजन करूंगा रे। नाथ मोहे बेगा बाहर पार, नाथ मोहे बेगा बाहर पार, नाथ मोहे जड़ हारो या नहीं
Bye.
सिंगाजी बाबा कहे कि प्रभु हे गुरुदेव अब तो घर मैं मेरो पायो जासे शरण तुम। अब आप किस घर की बात कर रहे हो, किस घर में मुझे भेज रहे हो? अब तो घर मैंने मेरा पा लिया। मनरंगीर बाबा सिंगाजी बाबा को कहते हैं कि भैया बिन माया परमारथ नहीं, और जैसे वस्त्र बिना नंगी देह, बिना माया के परमार्थ नहीं हो सकता। जीवन ब्रह्म और माया का जोड़ा है, ब्रह्म माया के बिना अधूरा है। अगर माया नहीं होती तो ये इतना बड़ा ज्ञान यज्ञ नहीं हो सकता। माया नहीं है तो भूखे को भोजन नहीं करा सकते, प्यासे को पानी नहीं पिला सकते, रोगी को दवाई नहीं दे सकते, विद्याहीन को विद्या नहीं दे सकते। माया मेरे नाथ की तू अपनी मत जान, लेते देते खुटे नहीं सब जग भयो हैरान। बस माया परमात्मा की है, हमें तो केवल उसका उपयोग करना चाहिए, उपयोग करने के लिए दी गई है। और उस पर कभी कब्जा करना चाहोगे, उसे अपनी बनाना चाहोगे, यही हमारे लिए खतरे की बात है। इसीलिए सिंगाजी बाबा को कहा है कि तू अब इसको अपनी मत समझना। हर आत्मा को परमात्मा देखते हुए व्यवहार करना, सकल आत्मा देखो आप समाना तो साईं सेवा साची करना। हर आत्मा में परमात्मा को देखते हुए संसार को साथ व्यवहार करना, द्वेत नहीं। सिंगाजी बाबा को आत्मा राम बनाकर मनरंगीर बाबा इस भौतिक जगत में वापस भेज रहे हैं।
परमारत तो कबीरा कीनो वस्त्र फाड़ हाट में दीनो। कबीर का उदाहरण देते हैं कि सिंगा जी कबीर भी ग्रस्त में हुआ है जो दो दुपट्टे बनाता था, एक में अपने परिवार का पालन पोषण करता था और एक संतों की सेवा में खर्च करता था। बड़े बड़े महापुरुष ग्रस्त में हो गए, आप माया से उतना ही उपयोग करिए। सोयाबीन में जब इल्ली पड़े तो दवाई छिटे कि नहीं, छिटते हो कि नहीं? खतरनाक से खतरनाक जहर का उपयोग करते हैं, पर कितनी सावधानी से, कितनी सावधानी से करते हो कि ऐसा ना हो कि कहीं अंदर चला जाए। अगर हाथ में लग गई तो कितनी दो दो तीन तीन बार हाथ साफ करके फिर कई चीज का उपयोग करते हो, कितनी सावधानी से। खेती को भी बचाना है, दवाई का जहर का उपयोग भी करना है, पर जहर हमारे भीतर नहीं जाए इतनी सावधानी भी रखते हो कि नहीं? बस ऐसा का ऐसा व्यवहार इस संसार में संसार के विषयों से और संसार की माया से करना चाहिए। बाहर से उपयोग सबने करो, बाहर से सबसे मिलकर रहो और अंतर से त्याग। त्याग व्रति अंदर से होना चाहिए, दिखावा नहीं, नाटकबाजी नहीं। बाहर से साधु बन गए और भीतर से मूंड मुंडाए जटा बढ़ाए नगन फिरे जो भैसा चमड़ी ऊपर खाक लगावे मन जैसा का। तो साधु शरीर को नहीं, साधु बनना नहीं, साधु होना है। बनने में तो जरा में बन जाए, अभी कपड़े उतारो, लाल कपड़े पहनो, त्रिपुंड मारो, दो चार माला गले में डालो और एक आध जिला छोड़ के बेपहचान जगह में निकल जाओ तो पूजा जाओगे। पर साधु का होना मुश्किल है। अगर मन साधु बन जाए तो वेशभूषा से कोई संबंध नहीं है, कपड़ा साधु नहीं है, लाल कपड़े पहनने का नाम साधु नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरा संबंध भेद से नहीं है, मेरा संबंध तो भेद से है। भेष लिया भेद नहीं जाना, बेल फिरे जो घाना और पर्दे अंदर साहब खड़ा उसको नहीं पहचाना। जय हो जय। पहले तेली लोग बेल को जोतते थे घाने में, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीनें युग नहीं था। एक जमाना था जब बेल को घाने में जोता जाता तो बेल की आंख पर पट्टी बांध दी जाती थी और दिन भर उससे घाना चलाते थे। बैल समझता था कि मैं दिन भर से चल रहा हूं, मैं कहीं बहुत दूर पहुंच गया हूंगा, पर जब आंखें खुलती थी तो वो तेली के बैल वाला हमारा हाल हो गया। हम भी जन्म से मरण पर्यंत तक हापा धापी करते रहते हैं, परंतु रिजल्ट जीरो। और फिर भेड़ बकरी बनने के लिए तैयार हो जाते हो, चौरासी में चले जाते हो। इसलिए सिंगाजी बाबा को युक्ति बता रहे हैं इस संसार में कैसा रहना चाहिए, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं मन रंगीर बाबा कि सब में रहो सकल से न्यारा। सिंगाजी बाबा ने गुरु महाराज का शब्द मान लिया, आज्ञा को शिरोधार्य की और गुरु महाराज से कहते हैं कि प्रभु आप 24 घंटे 8 पहर मेरी साथ में रहो, मेरा मार्गदर्शन करो, क्योंकि मन को पुरानी आदत पड़ी हुई है और वो संस्कार हमारे सबके भीतर जमा हुए हैं। कितना ही कोई साधु और गुरु उपदेश करे सुनाए, कितना ही उच्च के लेवल का ज्ञान दे दे, पर जब पुराने संस्कार हटेक करते हैं तो उस स्थिति से उसको नीचे फेंक देते हैं।
सिंगाजी बाबा अपने गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम रखवाला जो गुरु जी महाराज तुम रखवाला हो रे तुम रखवाला हो जो गुरु जी महाराज तुम रखवाला हो जो रे तुम रखवाला हो जो गुरु जी महाराज तुम रखवाला हो जो रे तुम रखवाला हो जो गुरु जी महाराज तुम रखवाला हो जो रे हे गुरुदेव यो मन को कोई भरोसो नहीं है बहुत चंचल है।
भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन रात दिन रहते थे। उस अर्जुन को कहना पड़ा चंचला मना कृष्णा, हे कृष्ण ये मन बहुत चंचल है, मन की गति पवन से भी तेज है। तो आप जैसे ग्वाल गांव की सारी गायों को लेकर चराने के लिए जाता है जंगल में, इसी प्रकार हमारे महापुरुषों ने इस जगत को जंगल की उपाधि दी है। और इंद्रियां हमारी गाय है, हमारी जो पांच कर्म इंद्रियां और पांच ज्ञान इंद्रियां वो गाय है, उनको चराने के लिए हमको भी इस जगत में जाना पड़ेगा। आंखों से देखना पड़ेगा, कानों से सुनना पड़ेगा, नाक से गंधना पड़ेगा, जीभ से स्वाद लेना पड़ेगा, हाथ से काम करना पड़ेगा, पैर से चलना पड़ेगा। ये दसों इंद्रियां संसार में चरने के लिए विषयों में जाएगी। तो अड़वाट जाऊं तो मख जान मत दीजिए, हो सकता है मन भूल जाए, परिपक्व थोड़ी है, अभी साधना मार्ग है। इतने बड़े परम ज्ञानी हमको चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि ज्ञान का भूत लग जाए। हमेशा अधूरे बनकर रहना, पूर्ण ज्ञानी और ज्ञान का अभिमान अगर चढ़ गया ज्ञानी का भी मत बनना। जो ज्ञानी बने धरा गए, उद्धव भगवान ने मथुरा छोड़ी द्वारिका बसाई। गोपियां कृष्ण के विरह में बड़ी दुखी थी। ये तुड़ुड़ तुड़ुड़ ज्यादा मत बोलो, जब थोड़ा सा समय समय पर। तो गोपियों को जब वो विरह हुआ और विरह अग्नि में गोपियां जल रही थी, उद्धव को अहंकार हो गया कि मेरा जैसा तत्व ज्ञानी संसार में नहीं है, मैं परम ज्ञानी हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं। उद्धव की भ्रांति का निवारण करने के लिए कृष्ण ने पत्रिका लिखी गोपियों को, उद्धव ने संदेश गोपियों के लिए भेजा कि उद्धव एक काम कर, गोपियां बड़ी दुखी है, मैं जब से मथुरा छोड़कर आया हूं, जब से मथुरा गया नहीं, रोते बिलखते मेरे रथ के आगे गोपियां सो गई थी, ऐसी बड़ी विषम परिस्थिति में मैंने उनको छोड़कर आया है, एक काम कर ये मेरा संदेश ले जा और गोपियों को कहो कि कृष्ण को योग में देखें। उद्धव को फुग्गो फुग गयो, फुग्गे में इतनी हवा भर गई कि कृष्ण ने मुझे गोपियों को समझाने के लिए भेजा है। जिसके साथ कृष्ण जन्मे, उनके साथ खेले, उनके साथ बड़े हुए, उनके साथ दही चुराया, उनके साथ माटी खाई, उनके साथ सारी नर लीला की, ऐसे श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए मुझे नियुक्त किया। गोपियां तो कृष्ण के प्रेम में, भक्ति में अगर भाव हो तो गोपियों की तरह होना चाहिए। उद्धव ने संदेश दिया, गोपियां कृष्ण के संदेश को ऐसा समझ रही है कि कृष्ण आ गया,
झपट रही है पत्रिका को सब। उद्धव अपना ज्ञान सुना कि गोपियों कृष्ण की विरह में वियोग मत करो, उस विरह अग्नि में मत जलो, कृष्ण को तत्व से देखो, योग से देखो। गोपियों ने उद्धव को कहा, तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, अरे आप तेरी बात सुनने के पास हमारे पास कुछ नहीं है, जो था वो सब कुछ श्री कृष्ण को दे डाला, अब तो ये खाली खोका बचा है। जय हो जय हो। उद्धव मन ना होए दस बीस, दस बीस मन थोड़ी है, एक मन था दे दिया, अब तेरा ज्ञान सुनने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। उद्धव का फुग्गा फूट गया, हवा निकल गई, एक महीने तक बेहोश हो गया उद्धव, एक महीने तक द्वारिका को भूल गया कि मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया। गोपियों के प्रेम में तो अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति इतनी प्रीति होना चाहिए गोपियों की तरह कि दूसरे की बात सुनने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। सिंगाजी बाबा भी कहे कि गुरु महाराज, अब ये मन आपका है, मेरा नहीं है, ये कोई गाय भैंस की बात नहीं है, जंगली ढोरों की बात नहीं है, कोई जंगल की बात नहीं है, ये बात सिर्फ हमारी है, हमारी आत्मा की कथा है। सिंगाजी बाबा की बात नहीं मानो तो तुलसीदास की मानो, तुलसीदास ने भी लिखा है, गौ गौचर दृष्टि जहां तक जाई तहां तक माया जानो भाई। गौ नाम इंद्रियों का और गौचर नाम ये संसार। गौचर किसको बोलते थे? अब तो शासकीय भूमियां सब तोड़ ली लोगों ने, पर शासन गाय के निस्तार के लिए शासकीय भूमि छोड़ता था जिसमें गाय चरती थी, जिसमें उसका निस्तार होता था, उसको क्या बोलते थे? गौचर। उसको गौचर भूमि बोलते थे, वो गायों की हुई, लेकिन हमारी इंद्रियों की जो गौचर भूमि है ये जगत है। तो वन में जाजो गौवा चरा, जो आप जा रहा हूं संसार में तो सब काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक शरीर है, जब तक शरीर के सारे गुण धर्म इसको व्यापेंगे, आएंगे जाएंगे, पर आप जवाबदारी आपकी है। वन में जाई न गौवा चरा जो, और संजा का घर संजा नाम, ऐसा नहीं हो उजाड़ी गाय शाम को भी घर नहीं आती है। धन्यवाद गाय, आवारा मत बनना, आवारा गाय को कोई भी ठोक जाए, आज बहुत जानवरों की दुर्दशा हो रही है। किसी के खूटे पे जाकर बनना, खूटा क्या है? हमारा गुरु, हमारा भगवान, वो खूटा है, वो संजा है। सब दूर आकर के कम से कम शाम को तो खूटे पर आ जाए, कब कि प्रेम का दौर लगा हुआ तो। साकल को जंजीरों को तोड़ दे मन, पर प्रेम की रस्सी कभी है वो बहुत मजबूत होती है। तो बन में जाई न गौवा चराजो, संजा के घर लाजो, प्रेम को दौर मारा गलासी लगाओ, और तिरकुटी कुटी बनाजो। ये हमारा तीर्थ राज प्रयाग है, भ्रकुटी त्रिकुटी, जहां जाकर हमारे महापुरुषों ने अपने मन को ले जाकर टांगा है।
इन गायों के लिए भोजन भी चाहिए। तो सत और सुकृत, सत्य हमारी आत्मा, और जो हमारी आत्मा का चिंतन होता है, सुमिरन होता है, भजन होता है, योग होता है, वो सुकृत। सत्य से कमाया गया धन सुकृत धन होता है। तो सत सुकृत को चारों चराजो, और मन अगर कमजोर हो जाए तो जानवरों को हम दाना बाटा खिलाते हैं, उनकी पुष्टि के लिए। कमजोर मन को क्या चाहिए? आप मेरे ऊपर दया करते रहिए, दया का मुझे दाना खिलाते रहिए, तो मैं योग मार्ग में प्रशस्त रहूं, स्वस्थ रहूं, और योग भजन सुमिरन करते रहूं। अब घड़ी दो घड़ी की बात नहीं है, मैं हो जाऊं तो जागना, सुन संसार न व्या, आठ पहर महारी संगो, चार भर रात दिन गए। मेरे योग मार्ग में कोई बाधक न बने, आप ड्यूटी देना। गुरु के ऊपर इतना भरोसा करके और पूर्ण सिंगारी बात कर जा, आप सबके आने घर घर आते हैं, वो तो आत्माराम होकर आए थे, अपना सब कुछ परित्याग करके आए थे, ऊपर से सब नाटक करते हैं, अंदर से पूरी त्याग वृत्ति, उनकी भैंस चोरों ने चुरा ले गए। तीन दिन हो गए, सब गांव के लोग, परिवार के लोग, सगे संबंधी सब खोज खोज कर थक गए, कहीं पता नहीं चला। मैं की लीनी तभी चोरा, ध्याया लोग नगर चौरा, पाड़ा पाड़ी घर घर रे के, लीनी मैं की तस्कर छेके, घर का लोग खिजे और भांडे, पर सिंगाजी बाबा अपनी टेक छांडे, दुर्मुख भयो सकल संसारा, पर सिंगाजी हर सिंह मन जाने। पूरा धन चले गया, 750 गाय भेज सब, सब लोग ढूंढ ढूंढ कर परास्त हो रहे हैं, दुख मना रहे हैं, पर सिंगाजी बाबा के चेहरे पर जरा सा भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हर्ष हो रहा है। क्या सुख और क्या दुख, क्या मान और क्या अपमान, क्या जय और क्या पराजय, क्या हानि और क्या लाभ, सबको समभाव से देख रहे हैं। घर का लोग खींच रहा, काली गलोच कर रहे हैं, क्योंकि जगत का और भगत का 3 और 6 जैसा मामला है, आमने सामने का नहीं है, एक दूसरे की तरफ पीठ है। इतिहास देख लो, मीरा के जुगुस रेन दिन परिवार वालों ने, प्रहलाद को, कबीर को, नरसिंह मेहता को, आज खूब मायरा गा रहे हैं लोग, उस दिन गाड़ी बेल नहीं दिए मायरे में नानी बाई के जाने के लिए, गाड़ी बेल नहीं दिए, बुखारदास बाबा का अपन ने शरद मुनि बटन दिया, वो तो चले गए जब माथा ठोक रहे हैं हम लोग। संत जब तक इस धरती पर रहते हैं तब तक उनको पहचान नहीं पाते, पर सिंगाजी बाबा को न भलाई असर कर रही न बुराई असर कर रही, भली बुरी कहे जो कोई ताको पीछे उत्तर ना दे। दौड़ दौड़ हारे सब लोगा और गई कमाई सगरी, अंतर्गत सब मालूम कीनी, कर्ता की गत सोबल चीनी, माता कहे कर्म को हीनो, द्वारे बैठे सिर हाथ जो दिनो, कल्पात करता दिन दो जो बीता, और भया उपाय सिंगाजी कहे माता मोतन जो, बासन धो और पैड़ी संजो, पाड़ा पाड़ी छोड़ी दीजो, नाहक कल्पना अब जन कीजो।
त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी, तीन काल, भूत, भविष्य और वर्तमान। त्रिकालज्ञ हो जाते हैं जो अपने आत्मा राम में रमण करते हैं, जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके भीतर सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है। वह साधक आगे और पीछे, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों काल का ज्ञाता हो जाता है। सिंगाजी बाबा ने बैठे ही बैठे, टेलीविजन आज है, उस जमाने में ध्यान के द्वारा महापुरुष निरीक्षण कर लेते थे कि बॉम्बे में क्या चल रहा है। महात्मा गांधी को जब गोली लगी तो हमारे बुखारदास बाबा सिंगाजी में थे, वो रजई ओढ़कर रोने लगे। हमारे गुरु महाराज ने उनसे पूछा कि बाबा हो क्या गया, कि भैया आज देश से बहुत बड़ो महापुरुष चली गए। जय हो, जय हो। जब कोई टेलीविजन, कोई फोन, कोई व्यवस्था नहीं थी, पर उनका उनका टेलीविजन आज्ञा चक्र में अपने ध्यान को ले जाते थे और वो सारे ब्रह्मांड का निरीक्षण कर लेते। जय, उनको वहां गोली लगी और दो सेकंड बाद बुखारदास बाबा ने घोषणा कर दी कि महात्मा गांधी को गोली लग गई। आज सिंगाजी बाबा ने भी तीन दिन के बाद अपनी दृष्टि से परिवार को कहा कि दुख मत मनाओ, गुरु महाराज ने तुम्हारा धन को वापस लिया। माता कहे छानो रह रे मुआ, भैंस गई जे तीन दिन हुआ। माता खीजी दीनी गारी, समझी नहीं मती की भोली। एक परमेश्वर तुम्हें ही आयो और लोग न बेची खायो। तू तीन दिन से यहां भगवान के भजन कर रहा बैठा है आसन लगाकर, तेरे को कहां से मालूम हो गया कि गुरु महाराज ने तुम्हारा माल को वापस लिया है। सिंगाजी बाबा कहे कि माता तो सबन की ऐसी हुई, नामदेव की माता सिकंदर पुकारे और कबीर की माता दीने गए। माता तो सबकी हो, अरे भगवान कृष्ण को यशोदा मैया को तीन लोग मुंह में दिखा दिए, जब मिट्टी खाई भगवान ने तो तीन लोग के दर्शन मुंह में करा दिए, फिर भी कृष्ण को छुपाती थी, कूटे से बांध देती थी, लोगों से डरती थी, फिर भी वो नहीं समझ पाई कि ये ब्रह्म है, तीन लोक का नियंता है, जगत का पालनहार मेरे पुत्र बनकर आया है। अरे माता तो सबकी ऐसी, कोई बात नहीं। सिंगाजी बाबा ने पाड़ा पाड़ी ने कहा करया और गांव में तो 750 जानवर को ला नहीं सकते थे, गांव के बाहर रखते थे, वहां जाकर दूध लगाया। दूध दही जब घर को लायो, सब सबके मन में विश्वास आ गया। जब दूध दही लगाकर घर लाए तो सबको बड़ा भरोसा हो गया कि भैया मत अपार बल साध का, कोई बिरला पावे पार, अगम पंथ को गम किया कहे खेम विचार। मगन मता है साधु का और वो सींचे निर्गुण बेल, ज्ञान दीपक जो होता बिन बाती बिन तेल। संत का जो दीपक होता है, संत की जो आत्मा चिन्मय ज्योति होती है, वो कैसे जलती है, इसमें घी डालते हैं और उसमें हम रोज आत्म गाते हैं, पोखंड प्रेम चुवे पल पल में तो दीपक अखंड निरंतर। हमारे ज्ञान रूपी दीपक में प्रेम रूपी घी चाहिए, प्रेम अगर है तो भक्ति रूपी दीप अखंड जलते रहे, जलते रहे। यहां भी दीपक का इंतजाम किया हवा से बचने के लिए, अभी बिल्ली आ जाए, कुत्ती आ जाए, कई विकार आ जाए तो दीप को बुझे। ऐसी प्रकार ज्ञान रूपी ज्योति भी जो हमारी सदगुरु ने जलाई है, उस दीप को भी हमको सुरक्षित रखना है कि ऐसा नहीं हो कि कोई विषय रूपी हवा आ जाए और उस दीप को बुझा दे। तुलसीदास जी ने प्रमाण दिया है, इंद्रिय द्वार झरो का नाना, तहां तहां बैठे दे सुरठाना, आवत देखी विषय बयारी, अतुरत देत कपाट उघारी। ये दसों इंद्रियों से विषय घुसता है, आंख से घुसता है, कान से शब्द घुसते हैं, आंख से रूप घुसता है, स्पर्श से, गंध से,
रूप से विषय अंदर घुस जाता है और विषय रूपी वायु का झोंका ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देता है। इसलिए सिंगाजी बाबा ने अपने दसों दरवाजों को बंद करके रखा कि बाहर की हवा घुसने न पाए और अपने मगन मत से बड़ी प्रेम भक्ति के साथ सुमरन साधना चल रही है। ता पीछे लोग मान धाता ए और सिंगाजी से शब्द एक सुनाए। चलो सिंगाजी मान धाता जावा आदि ओंकार बसत दिन ठावा। सिंगाजी बोले निर्मल बानी सकल तीरथ जहां पत्थर और पानी आदि ओंकार तो बस घटमाई और सदगुरु परचे पाया छे। सिंगाजी बाबा कहे कि अब हमको कहीं पाखंड करना की आवश्यकता नहीं है। आदि ओंकार बसे घट सब अपने घट में है। अब कोई तीरथ व्रत कोई मूर्ति पूजा कोई पाखंड रचने की अब आवश्यकता नहीं। जिसने ब्रह्म का अनुभव अपने आप में कर लिया वो दूर क्यों जाएगा। जिसका मन प्रभावित नहीं है मन शांत बैठा है वो काय को जाएगा। वो तो तरंगे उठती है और वो तरंगे इस शरीर को दौड़ाते रहती है। भैया अब हमको कहीं जाना की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने सब अपना आप में अनुभव करा दिया। ग्रामवासियों ने कहा कि प्रभु आप तो समर्थ हो आपको कोई आडंबर कर्मकांड की और किसी के दर्शन की आवश्यकता नहीं है परंतु आप हमारे साथ चलोगे तो हमको आपके सानिध्य का आपके सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। आप हमारे खातिर चलिए। सिंगाजी बाबा ने चलो आप लोग चलो हमको गुरु महाराज लाएगा। 5 रोज में ये लोग वहां पहुंचे और कह दिया था कि ओंकारेश्वर नर्मदा पार करते हुए ये पुल नहीं था उस जमाने में। जब आप नौका से पार हो उस समय मैं तुमको वहां मिलूंगा। सब लोग 5 रोज में पैदल वहां पहुंचे। नाव पर चढ़ने का जब समय आया याद किया कि गुरु महाराज ने कहा था कि नाव चढ़ता होएगा मेला। बस इतनी याद की सिंगाजी बाबा वहां प्रकट हो गए और ओंकारेश्वर के दर्शन किए। 5 रोज तक वहां उनके साथ सत्संग भजन हुआ। 5 दिन में वो लोग वापस आए। यहां जब आकर देखते हैं तो सिंगाजी बाबा ओंकारेश्वर नहीं गए। एक शरीर उनका ओंकारेश्वर में और एक शरीर हरसूत में दो दो शरीर से काम कर। जय हो जय हो। साग दिनी जगत में माता नहीं माने बात आवत जावत संगना कीनी वहां रहा हमारी। अचरज भयो जगत में साखी सुनी न वेद धन धन कला साध की कोई बिरला जाने। साधु की कला को साधु की परिस्थिति को हर व्यक्ति नहीं पहचान पाता। कोई कोई बिरले लोग उनकी लीला को उनके चरित्रों को जान पाते हैं। ता पीछे विप्रदोय को मठानी मांगा तिरिया साधु जाने। जब सिंगाजी बाबा की निर्गुण भक्ति की धारा सभी जगह बहने लगी उनकी निर्गुण भक्ति की खुशबू चलने लगी तो ईर्षा को रोग बहुत पुराना है। बिरले लोग ऐसे हैं जो किसी को झेल ले और ग्रहण कर ले। हाँ संसार की तो बात क्या एक साधु दूसरे साधु पर ईर्ष्या करता है एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी पर ईर्ष्या रखता है पर यह नहीं सोचता कि जिस विषय को मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूं या अपनी बुद्धि से उस विषय को पूर्ण रूप से क्लियर कर रहा है तो उस ज्ञान को मैं स्वीकार करूं। नहीं स्वीकार नहीं विरोध ईर्षा। और बड़े बड़े महापुरुषों में विश्वामित्र वशिष्ठ विश्वामित्र जी कहे कि मगर राजऋषि आप राजऋषि कहते हो तुम मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहते।
तो महात्मा लोग भय नहीं खाते, चार लोग भय नहीं खाते, कौन कौन? वेद, गुरु, सचिव, ये तीन लोग किसी से डरते नहीं है, कोई भय नहीं मानते, वो किसी के मोहताज नहीं है। सत्य कभी समझौता नहीं करेगा, सत्य ही समझौता करके बैठ जाएगा तो फिर संसार का होगा क्या? डॉक्टर कभी प्रधानमंत्री को इलाज करे, राष्ट्रपति को इलाज करे, कोई उद्योगपति का इलाज करे, उसको चीराफाड़ी नहीं करे उसके डर में, उसको इंजेक्शन नहीं, उसको दवाई नहीं दे, उसको कड़कता से परहेज नहीं करवाए, तो क्या उसका शरीर बचेगा? सचिव, वेद, गुरु, ये तीनों प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन, तीनई बेगई होवे। ये लोग कभी तीन हार मान जाए और इनका प्रलोभन में आ जाए, गुरु भी कभी शिष्य कभी हजार या एक लाख रुपए की दक्षिणा दे दे, भेंट दे दे, रोका दबाव में कभी आ जाए और उसको कड़कता के साथ अगर जान नहीं दे, नियम का पालन नहीं करवाए, तो धर्म का भी नाश हो गया। और राजा का सलाहकार मंत्री सचिव वो उसे उचित सलाह दे तो राज्य भी, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी चलाते हैं सरकार को, नेता लोग तो नाम मात्र के कुर्सी पर बैठते हैं, जिनके पास दिमाग होता है वो अपने दिमाग से सलाह देते हैं कि अब ये योजना लगाओ, अब ये करो, अब ये करो, इससे ऐसा होगा। वो आईएएस लोग अपनी खोपड़ी खर्च करते हैं और देश को चलाते हैं और वो उचित सलाह देते हैं उनको, अगर वो भी उनके दबाव में आ जाए देश भी बर्बाद। तो सिंगाजी बाबा तो टकाटक बातें कर रहे हैं, कर्मकांड का खंडन कर रहे हैं। अब जो आदमी जहां है वहां से बोलेगा, जो पहली मंजिल पर खड़ा वहां से बोलेगा, दूसरी मंजिल वाला दूसरी मंजिल से बोलेगा, तीसरी वाला तीसरी से बोलेगा, जो जिस भूमिका पर खड़ा हुआ है उस लेवल से बोलेगा। सिंगाजी बाबा आत्म तत्व निर्गुण उपासक संत हुए, आत्मज्ञानी संत हुए, वो कर्मकांड का खंडन करते हैं और हर आत्मा में परमात्मा का अनुभव करते हैं। अध्यात्म को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा अंत में। सिंगाजी बाबा का ज्ञान वेदांत है, वेदांत। बुद्धि का दीवाला निकल जाता है उसको समझने के लिए सिंगाजी बाबा के भाव को। काशी के महात्मा उनका ग्रस्त में एक गांव का ढोर चराने वाला गौली ग्रस्त में और तत्व ज्ञान की चर्चा हो रही है, निर्गुण की बांटती गले गली हो रही है, सिंगाजी बाबा की जय जयकार हो रही है। चलो आज देखते हैं वो कैसा परम आत्मज्ञानी है। आए मन में भाव लेकर आए कि आज उनसे उनकी स्त्री मांगेंगे। देखते वो हर आत्मा में परमात्मा को कैसे देखता है। जब हर आत्मा को अपने समान देखता है तो सहर्ष आनंद के साथ अपनी स्त्री हमें दे देगा। घर गए तो सिंगाजी बाबा घर नहीं रहते थे, सरस्वती कुंड एक हरसुद में एक स्थान था, वहां पर सारे भक्त शिष्य उनसे सत्संग सुनने के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए ताता लगा हुआ रहता था और वहां वो अपना ज्ञान उपदेश करते रहते थे।
घर के लोगों ने कहा कि भाई बाबा तो वहां है। ये लोग आए, सारी सभा बैठी हुई थी, सिंगाजी बाबा उठकर खड़े हो गए उनको देख कर के। आओ प्रभु, आपने बड़ी तकलीफ की, तुम जिस चीज के लिए आए हो वो मातेश्वरी तो घर है, यहां थोड़ी है। वो क्षमा याचने करने लगे कि प्रभु हम मतिमंद हैं, गवार हैं, बहुत दुष्ट हैं, हमने भजन नहीं किए, हम एक नाम मात्र के साधु हैं और हम आपको जांचने के लिए आए, आपके ज्ञान को। आप हमें क्षमा कर दो, हमने बड़ी धृष्टता की, माफ कर दो। सिंगाजी बाबा उन्होंने कहा नहीं, मन को जांच लिया, क्योंकि हमारे सबके भीतर प्राण और अपान की क्रियाएं चलती है, बाहर से श्वास अंदर जाती है और अंदर से बाहर आती है। इसलिए बाहर के जो हमारे जो विचार है वायुमंडल में है सबके, और जो आत्म तत्व में रमण करता है वो सबके मन को पढ़ लेता है, सबके अंतर की बात को जान लेता है। उनके बिना बताए सिंगाजी बाबा ने उनसे कहा कि आप चलो, घर है, और दोनों ब्राह्मणों को घर ले जाकर उनकी बड़े गाढ़े प्रेमी की तरह उनका स्वागत सत्कार किया, उनका अनादर नहीं किया, उनका अपमान नहीं किया। यह है संत का हृदय, यह है संत की भावना। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय माखन की तरह होता है, नरम कोमल होता है। वो कभी दूसरे के गुण दोष नहीं देखते, वो तो हमारे भीतर जो भरा है वो निकलता है। पके हुए महात्मा अच्छा बुरा देखते ही नहीं है, वो तो समदर्शी होते हैं। विदा किया, सिंगाजी बाबा हरसूत को छोड़कर पीपले आए। पीपले जब आए वहां हरजी डोंगरू वहां के मालगुजार थे, उनको जब इस बात का पता चला कि सिंगाजी महाराज आज पीपले की धरती पर पधार रहे हैं, ग्रामवासियों को एकत्रित करके और सिंगाजी महाराज की अगुवानी के लिए हरजी डोंगरू सब ग्रामवासियों के सहित सिंगाजी बाबा को लेने के लिए गए, और कहा प्रभु यह आपकी भूमि है, आप जहां चाहें अपना स्थान बना सकते हैं। सिंगाजी बाबा कहे कि भैया हमें कछु महल ना चाहिए, छोटी सी मड़ी सहज बन जाए, 3.5 हाथ के शरीर के लिए कोई ज्यादा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, कोई संसार में 1000-2000 बरस रहने की गारंटी नहीं है। हमारा क्या, हम तो खड़ी गुवाड़ी काटने वाले लोग हैं, जंगल में निवास करने वाले, हमको कोई घर भर की आवश्यकता नहीं है। बड़े आदर सत्कार के साथ अपने आप को अहोभाग्य समझ कर कि सिंगाजी जैसे महापुरुष आज पीपलिया की धरती को पावन करने के लिए यहां पधार रहे। उनके बड़े भाई लिंबाजी, उनने सिंगाजी बाबा को एक टहल फरमाई कि भैया इनका लेना खोटा अडवाला कर लीजिए, अपन नई जगह में आए ले, कहीं का उजाड़ में जानवर जाएगा अच्छी बात नहीं है। वो भेज गाय को लेकर जंगल में चले गए और सिंगाजी बाबा दर खोदने के लिए लगे उनके खूटे उठे गाड़ने के लिए। तो कट्यो गिंडोलो भयो टुक दोई और स्वामी का मन में करुणा। गुरु महाराज तुमने तो इस दिन बोला था कि सब आत्मा को परमात्मा देखना,
आज इस शरीर के निर्वहन के लिए इस शरीर के से जो विषय जुड़े हुए हैं परिवार के लिए आज ये कर्म करने में आज एक सृष्टि के सर्जनहार का जीवन उजड़ गया। वो केचुआ जो गिंडोलो कट गयो उसको चद्दर में बांध लिया सिंघाजी बाबा ने दोनों टुकड़ों को और चद्दर ओढ़ ली कि धिक्कार है इस मानव जीवन को जो अपने पेट पालने अपने शरीर के लिए दूसरे के जीवन को उजाड़ देता है। बात सज लिए एक केचुआ कटने पर सिंघाजी बाबा इतना पश्चाताप कर रहे हैं आदमी सब्जी भाजी की तरह दूसरे जानवरों को काट कर खा जाता है और पेट को शमशान घाट बना लेता है उन लोगों के क्या हाल होगी। मेरा कोई मुंह मत देखो आज मैं हत्यारा हो गया है अन्न जल सबका परित्याग कर दिया। गुरुदेव तुमने विश्वास दिलाया था मुझे तुमने दिया रे महाराज दिलासा तुमने दिया तुमने तो मुझे विश्वास बंधाया था मुझे आदेश किया था कि भैया सब आत्मा को अपने समान देखते हुए काम करना आज ऐसा अनुचित कार्य क्यों हुआ। चद्दर ओढ़ कर सो गए कि मेरा कोई मुंह मत देख ले। सोवत रजनी आई तब लक मैं की लायो भाई भैया जानवरों की कोई व्यवस्था नहीं। सिंघाजी बाबा ने तो निश्चय कर लिया कि मां आज ही शरीर का परित्याग करूंगा ऐसा जीवन किस काम का जो दंड पाखंड कर मांगे भी कर दया दीनता काऊ को नहीं लेखे धिग धिग मन क्या उतारा पापी पिंड भजे मुरारा आया तो भजन करने के लिए पर दूसरे शरीर को दूसरे जीव को तकलीफ देता है दूसरे के जीवन को उजाड़ देता है। यह जीवन यह शरीर किसी काम का नहीं है। सो गए सोते सोते रात्रि का चौथा पहर आया ब्रह्म बेला में तीसरे पहर। साधक जब भजन करता है सारी वृत्तियां घनीभूत हो जाती है पूरी वृत्तियां घनीभूत होकर और इष्ट का रूप धारण करके खड़ी हो जाती है। चार बजे ब्रह्म बेला में वो परम पिता परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप लेकर और पीपलिया की धरती पर प्रकट हो गए और आवाज लगाया सिंगा सिंगा सिंगा। सिंघाजी बाबा ने कहा कि ये पशुओं के लिए कोई अपन ने आसरा नहीं किया तो किसी के उजाड़े में चले गया तो कोई लेकर आया होगा पर दूसरी आवाज गायब की पुकारी दूजी हाक गायब की पुकारी सीरो शब्द अमीरस भारी अमृत मय वचन जैसे अमृत में डूब कर शब्द निकलते हैं। गायबी आवाज एक बार आवाज लगा दें तो दसों दिशाओं से वो आवाज आ रही है। सिंघाजी बाबा कहते हैं कि ये कोई साधारण पुरुष की आवाज नहीं यह तो कोई गायबी पुरुष है। चद्दर हटाई और जब सामने देखते हैं चतुर्भुज रूप लेकर पर ब्रह्म परमात्मा जय हो जय भगवान धन्यवाद देते हैं कि धन्य है सिंघाजी तेरी भक्ति को कि आज तक इस वसुंधरा पर ऐसा भक्त नहीं हुआ जिसने केचुए में मेरे रूप का अनुभव कर लिया हो एक केचुए में भी ब्रह्म का अनुभव किया। मांग मांग प्रसन्न हूं तो ही जो तेरे मन इच्छा हो तेरे मन में जो इच्छा हो आज मांग ले। सिंघाजी बाबा कहे कि जिसके सामने वो स्वयं खड़ा हो उसको क्या मांगने की आवश्यकता है फिर भी अगर तेरी गरज है तो भक्त भी बड़ा मनमोजी होता है क्योंकि पहले उसका तेल निकाल लेता है भगवान
ब्रह्मज्ञानी को तेल हेल ले, और तेल जब निकल जाए तो फिर वो भगवान भगत जो चाहे उसके लिए करने के लिए राजी हो जाता है। राईदास के घर जूते सी दिए, सेन भगत के घर दाढ़ी बना दी, गोरा कुमार के घर मटके बना दिए, सावत्या माली का घर मोट घेर दी, सकुबाई के घर पानी भर दिया। 6 महीने तक भगवान कहते मांग, उन्ना का तेरी गरज हो, मेरे मन में तो कोई इच्छा नहीं। पके हुए महात्मा है, इच्छा ही तो जन्म का कारण है, इच्छा ही मृत्यु लोक में जीव को लाकर धर देती है। इच्छाओं का दमन हो जाए, कोई चुनाव न बचे, उसका नाम मुक्ति है, मर जाने का नाम मुक्ति नहीं है। देना हो तो सिंगाजी बाबा भगवान से क्या मांगते हैं, मांगना सीखे हम कि भगवान अगर मिल जाए, कोई पका हुआ महात्मा और संत मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो उससे क्या मांगना चाहिए। देवन का हो देवा भक्ति दान मोहे दीजिए, 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 देवन का हो देवा जन्म पाओ तो बेसरो नहीं, देवन का हो देवा जन्म पाओ तो बेसरो नहीं, देवन का हो देवा जन्म पाओ तो बेसरो नहीं, देवन का हो देवा जन्म पाओ तो बेसरो सुंदर वर नारी धन संपत्ति मांगो नहीं, 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 सुंदर वर सुंदर वर नारी सपना मर मांगो नहीं, सुंदर वर नारी सपना मर मांगो नहीं, सुंदर वर नारी सपना मर मांगो नहीं, तुम्हारे बलिदान मोहे दीजिए, देवयान तुम्हारे बलिदान मोहे दीजिए, देवयान तुम्हारे बलिदान मोहे दीजिए, तो रिद्धि सिद्धि ना मांगू नहीं, जय हो वैकुंठ निवासा रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं, अरे वैकुंठ निवासा रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं, अरे वैकुंठ निवासा रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं, अरे वैकुंठ निवासा रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं, वैकुंठ निवासा किंचित वर 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 मांगो नहीं, जब लगन स्वासा व्यक्ति दान मोहे दीजिए, जब लगन स्वासा व्यक्ति दान मोहे
देवों के देव, देवाधिदेव। मेरी तो कोई इच्छा मांगने की है नहीं, पर अगर कभी आप देना चाहें तो मुझे भक्ति का दान दीजिए। भले ही दोबारा जन्म मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, मुझे मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं है, परंतु जन्म भी दोबारा कभी मिल जाए, जन्म पाऊं बिसरू नहीं। किसको? संसार को। हमारे को तो भगवान मिल जाए तो हम यही बोलते हैं कि भले दूसरा जन्म मिल जाए, जब भी अभी ये जो है इनको सिंगाजी बाबा क्या कह रहे हैं, जन्म पाऊं बिसरू नहीं। क्या? मेरी जो भक्ति है, मेरा जो भाव है, मेरी जो श्रद्धा है, मेरे गुरु के प्रति, मेरे इष्ट के प्रति मेरी जो निष्ठा है, इसमें गिरावट ना आए। जन्म पाऊं बिसरू नहीं। अच्छा, खड़ा हुआ भगवान है सामने, सामने खड़ेल भगवान है, पर उसकी सेवा नहीं मांगी, संत की। वहां भगवान को हटा दिया, क्योंकि तू इसीलिए मेरे सामने खड़ा है, अगर मेरे गुरु नहीं होते, परम गुरु मेरे जो उपदेश नहीं देते, मुझे ये मार्गदर्शन नहीं देते, तो तू आज मजबूर मेरे सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। जय हो, जय हो, जय हो। ये मेरे गुरु की कृपा है कि आज तू मेरे सामने खड़ा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तज गाना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सच्चन धर्मा, सातम समम हुई जग देखा। भगवान राम सबरी से कह रहे हैं, नौ प्रकार की भक्ति का उल्लेख कर रहे हैं कि सातम समम हुई जग देखा, अमो से अधिक संत करी लेखा। भगवान राम सबरी को बोल रहे हैं कि वो भक्त मुझे प्रिय है जो मेरे से भी अधिक श्रद्धा भक्ति मेरे संत के ऊपर रखे, इतनी निष्ठा हो। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। कौन की सेवा? संत। आरती भगवान की है, पर चाबी हाँ भगवान के पास जाने के द्वार तो संत के पास चाबी है। जय हो, जय। इसी नौ प्रकार की भक्ति में सर्वप्रथम संत की भक्ति। शिवाजी बाबा भी कह रहे हैं कि जन्म पाऊं बिसरू नहीं और करू संत की सेवा। मुझे कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे कोई सुंदर वर स्त्री नहीं चाहिए, ये तो मुझे स्वप्न में भी नहीं व्यापना चाहिए, और मुझे कोई रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहिए। जिनने सिद्धियों को खड़ा किया वो लोग धरा गए, सिद्धि खतरा है, साधक को मार्ग में मिलती है। अनिमा गरिमा नाना प्रकार की सिद्धियां खड़ी होती है और वो साधक के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है,
किसी का बुखार ठीक कर देना, किसी की बीमारी भगा देना, किसी को छोरा दे देना, जो बोलना वो होना। साधु सोच रहा है कि बस अब मेरी भक्ति हो गई, बस सिद्धियों के दायरे में आकर मान सम्मान मिलना शुरू हो गया, लोग प्रभावित होने लग गए, भीड़ लगने लग गई, भगवान दूर हो गया, संसार से फिर चिपक गया। जिस काम के लिए तूने यात्रा शुरू की थी वो यात्रा रुक गई। इसलिए सिंगाजी बाबा कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि और वैकुंठ भी नहीं चाहिए तेरा। वैकुंठ में भी यहां जैसे हाल है, वहां भी उत्तम मध्यम सारे हैं। जिसके अच्छे कर्म है उसको और थोड़ा स्थान ऊंचा है, जिसके और नीचे के उसको थोड़ा ऊंचा, फिर और गिरे हुए हैं फिर उसको नीचा। वहां भी राग द्वेष है, वहां भी छोटा बड़ा चुनाव है। अनेक क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यते। मनुष्य का पुण्य जब समाप्त हो जाता है फिर मृत्यु लोक में फेंक देते हैं उसको। वहां तो जेब का खाओ, वैकुंठ में क्या होता है, जितनी कमाई करके गए वो बैठे बैठे खा लो दूसरी कमाई, और वो खत्म हुआ जा। तो मुझे वो तेरा वो लोग भी नहीं चाहिए। रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं वैकुंठ निवासा, किंचित वर किंचित मात्र भी मेरे अंदर मांगने की कोई इच्छा नहीं है जब तक ये तन में श्वास है। फिर भी अगर दे तो दे धरु नहीं भगत कहाऊं, और भवर भवर गर्भवास में नियम। उपाधि नहीं, उपाधि खतरा है, एक को मिटाया दूसरी बन गई उपाधि। नाम रूप दोई, हाँ उपाधि से रहित, उपाधि से रहित कौन हो सकता है, जिसको कोई नाम नहीं दे सकते वो है ब्रह्म। बिन पग चलई सुनई बिनु खाना, अबिनु कर कर्म करई विधि नाना। भक्त है तो फिर भगवान है, अगर भक्त की उपाधि लगा दे तो भगवान है। दो है, द्वैत है, एक भगवान है और एक भगत है। स्वामी है एक सेवक है, गुरु है शिष्य है, द्वैत द्वैत खत्म हो जाए। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो न तो दे धरूं और मेरे नाम के पीछे कोई उपाधि भी नहीं होना। मांगा सिंगा छोई दीना, भक्त वसल प्रतिपाल जो कीना। दीनो आगे पद जगदातार, करो भक्ति जुग जुग। हाँ वो परब्रह्म परमात्मा ने सिंगाजी बाबा को आशीर्वाद दिया कि जब तक सूर्य चंद्रमा और धरती रहेगी सिंगाजी तेरी पता का इस घोर कलयुग। जय हो जय हो जय हो। और शरद पूर्णिमा का जो मेला लगता है सिंगाजी महाराज का, ये शरद पूर्णिमा की रात्रि को केचुआ कटा है। शरद पूर्णिमा के दिन वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सिंगाजी बाबा के मेले में एक दिन के लिए आज भी वहां ड्यूटी देने के लिए आ। जय हो जय हो जय। फिर सिंगाजी बाबा ओंकारेश्वर जाने की तैयारी करते हैं अपनी सब मंडली के साथ, और सारी मंडली को ले जाकर अपनी निर्गुण भक्ति की धारा जब वहां ओंकारेश्वर में बहाई, मृगनाद से जब भजन किए तो सन्यासी उदासी निजमी बात अच्छी बात नहीं, मजा नहीं आ रहा। अब बैठो। थोड़ी सी देर हो, कभी कभी तो अवसर मिलता है, रात दिन तो डंडे घुमाते हो तुम इधर। कहां थे अपन,
हाँ, सारी सभा बैठी हुई है, सिंघाजी महाराज के भजन चल रहे हैं। अब जब भजन हुए और भक्ति की लहर जब चली, पूरे ओंकार स्वर पर सिंघाजी बाबा की निर्गुण भक्ति की लहर चलने लगी। सन्यासी, उदासी, वैरागी, नाना मत के संत, सारा समुदाय सिंघाजी बाबा की सभा में आकर बैठ गए। सन्यासियों में ईर्षा फिर हुई कि एक ग्रस्त गहली होकर, ग्रस्त गहली साथ कहावे, आप ही बैठे हो आप पूजावे, जात को गौली चढ़ो अभिमान, सारा भेष को मारो मान, सबका मान भंग कर दिया और सर्वश्रेष्ठ होकर यहां पूजा करवा रहा है। चलो उसके ज्ञान को देखेंगे। चार सन्यासियों को भेजा, तुमको हमारे महंत बुलाते हैं। फिर संत भी राजाओं का महाराजा होता है, वो भी अपने मन मर्जी का होता है। सिंघाजी बाबा गए नहीं, महंत स्वयं चलकर आया और कहा कि आप अपने संतत्व का परिचय दो, आप जिस धारा की बात कर रहे हो प्रमाणित करो, आप आसमान से घोड़े बुलाओ। सिंघाजी बाबा कहे कि भैया हम तो हमारे भजन कर रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं मालूम। सरल, इतना सरल स्वभाव, सब में समर्थ होते हुए भी सरल, सरल बनना बड़ी टेढ़ी बात है। साधु बन जाए, संत बन जाए, महामंडलेश्वर बन जाए, पीठाधीश्वर बन जाए, शंकराचार्य बन जाए, नाना प्रकार की उपाधियां ले ले, पर सरल बनना बहुत कठिन बात है। सिंघाजी बाबा सरल स्वभाव के संत हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु आप जो कह रहे हो वो हमसे थोड़ी हो सकता है। पर बड़ी कठोरता के साथ आदेश दिया, तो जो उसके नाम पर होता है उसका योग क्षेम परमात्मा स्वयं करने लग जाता है। तुम्हारी इच्छा है तो गुरु महाराज देंगे। तंग तोगरा सगरो साज, बिल्कुल जीन लगाम से कसा हुआ घोड़ा आकाश से उतर गया। अब सिंघाजी बाबा ने कहे कि यार एक एक चीज का इंतजाम तुम करो, तुम भी तो अपने संतत्व का परिचय दो। तुम तो आश्रम लेकर बैठे हो, मठ लेकर बैठे हो, भेंट लेकर, भेष लेकर बैठे हो, हम तो एक साधारण ग्रस्त में जीवन निर्वाहन करने वाले लोग हैं। ये तो अतकचरिया साधु था, बनेल 99% साधु मजबूरी में बनेल आजकल। कोई मर्डर कर दे साधु बन जाओ, कोई कांड कर दे साधु हो जाओ, कोई से काम नहीं बनता साधु हो जाओ। वो भेष एक ऐसा है कि सब एक ढक जाओ। पांव का पांव लगे लोग, भोजन का भोजन खिला दे, सब एक ढक गया। साधु का होना मुश्किल है, और बनेल साधु से काम थोड़ी बना। सिंघाजी बाबा ने गायब के घोड़े भी दिए, गायब का दाना पानी भी दिया, पर फिर भी छाती ठंडी नहीं हुई। जय हो जय। ईर्षा की आग ठंडी दी पड़ी। बादशाह से पुकार करी मुगल से कि महाराज एक गौली आया है और अपने आप को बड़ा महान संत मानता है। बादशाह के घट में परमात्मा प्रकट हो गया, अविनाशी प्रकट हो गए कि पहले आप परिचय दो ता पीछे उस पुरुष को लाओ, क्योंकि उस बादशाह को मालूम था उनके परिवार में एक संत को सताया गया था। नाम देव जात को रंगारो, जिन गौ जीवाई देवल भेड़ो।
एक महाराष्ट्र में संत नामदेव हो गए दर्जी समाज के, उनको उनके शिष्यों ने चमड़े के जूते पहना दिए। जूते नए, शिष्य ने अभी ताजे ताजे जूते पहनाए। नामदेव निकल कर जा रहे थे, एक राधा कृष्ण के मंदिर में कीर्तन चल रहे थे। नामदेव का मन नहीं माना कि आज तो कीर्तन का आनंद लिया जाए, पर अपना ध्यान जूते में रह जाएगा। जूते अभी नए पहनाए, और जूते बाहर रहेंगे और अपन अंदर रहेंगे तो मन जूते में लग जाएगा, अपने से भजन होएगा नहीं। क्यों नहीं अपने जूतों को कमर से बांध लिए जाए तो फिर केवल निभाव से निर्विचारता के साथ भजन करेंगे। नामदेव जी ने जूते अपने कमर से बांध लिए, गोपाल कृष्ण के मंदिर में घुस गए, दोनों हाथ में करताल ली और उस परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़ लिया। कमर बांध्या खासड़ा, हाथ में करताल, नामदेव भजी रहा गोविंद गोपाल। कमर बांध्या खासड़ा ने हाथ में करताल, नामदेव भजी रहा गोविंद गोपाल। कमर बांध्या खासड़ा ने हाथ में करताल, गोविंद गोपाल। कमर बांध्या खासड़ा ने हाथ में करताल, नामदेव भजी रहा गोविंद गोपाल। नामदेव भजी रहा गोविंद गोपाल, नामदेव भजी रहा गोविंद गोपाल। खासड़ा रे हाथ में करताल, नामदेव तो भजी रहा गोविंद गोपाल। कमर बांध्या खासड़ा रे हाथ में करताल, नामदेव भजी रहा गोविंद गोपाल। या नहीं ना
बढ़ना कयो या नहीं नम्या धारो बढ़ना कयो या नहीं नम्या धारो बढ़ना कयो या नहीं नम्या धारो बढ़ना कयो उठो भैया नाम बाहर जा बाहर जा रे भैया बाहर जा उठो भैया नाम बाहर जा पर बजा था थोड़ा हाथ में करता नाम बने रहा कवि भगवान पर बजा था थोड़ा हाथ में करता आकार मुद्रा भगत और भगवान दोनों एक हो गए वो स्थिति नामदेव की हो गई। परमहंस महात्मा थे, परमहंस वृत्ति एक बच्चे की तरह होती है, उनके पास कोई चुनाव नहीं होता, सब बराबर। अरे भगवान के मंदिर में चमड़े के जूते लेकर आ गया, शर्म नहीं आती? नामदेव का हाथ पकड़ा, मंदिर के बाहर निकाल दिया। संत तो भलाई बुराई से निंदा स्तुति से ऊपर कर रहे थे, कोई बात नहीं। जहां राम भई अयोध्या, क्या तेरे मंदिर में ही भगवान है क्या? भगवान तो सर्वव्यापी है। मेरा मंदिर के पीठ के पीछे जाकर भजन करने लगे, तो भगवान ने अपने मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर लिया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। मंद बुद्धि के लोग अपने अपने तल से तोलते हैं, वो क्या जाने नामदेव को, अरे ये कोई तांत्रिक है, इसने कोई तंत्र क्रिया से मंदिर का मुंह घुमा दिया। मुगल साम्राज्य था, मुगल के पास बात गई, मुगल ने नामदेव को बुलाया। कौन नामदेव, क्या जानते हो, आपने मंदिर का मुंह घुमा दिया। प्रभु जो पूरे ब्रह्मांड को घुमा रहा है उसके मंदिर को दूसरा कौन घुमा सकता है, ये तो सब उस परवरदिगार की लीला है। अच्छा तेरा भगवान ऐसा है मंदिर का मुंह घुमा देता है, मेरा भगवान क्या नहीं कर सकता। अच्छा, एक गाय बुलाई, बता नामदेव उस गाय के पेट में क्या है। नामदेव ने सोचा कि अभी तो निकलो, कह दिया महाराज इस गाय के पेट में बछड़ा है और जैसी गाय है वैसे रंग का बछड़ा। बादशाह ने कसाई को बुलाया और गाय की दो पाक करा दी। गाय के पेट में जैसा नामदेव ने कहा था वैसा ही बछड़ा पाया गया। बादशाह ने कहा नामदेव अब ये गाय को पुनर्जीवित कर। नामदेव बड़ा विचार में पड़ गया कि कन्हैया तूने ऐसा क्यों किया, अरे मेरा अपमान हो गया तो हो जाने देता, क्या बिगड़ता, मैं कौन सा बड़ा सम्मानित व्यक्ति था जो मेरा कुछ बिगड़ जाता। तूने इतना बड़ा चमत्कार दिखाकर आज एक निर्दोष गौ का हनन हो गया,
जिसका दोष नहीं, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। नामदेव ने एक चद्दर गाय को उड़ा दी और भगवान से बात करने लगे कि प्रभु आज कभी ये गाय पुनर्जीवित नहीं हुई तो मुझे तख्त पर लटका देगा, मेरी मृत्यु निश्चित है और मुझे मेरी मौत की कोई परवाह नहीं है। ये तो नश्वर शरीर है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल सत्य है, होगी होगी, ये नहीं मारेगा तो भी ये शरीर मरेगा, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर मुझे चिंता तेरी है। अगर ये गाय जीवित नहीं हुई तो लोग तेरा नाम बदनाम कर देंगे कि नामदेव भगवान का भजन करता था, भगवान का बड़ा भक्त था और भक्ति करने में नामदेव को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा, तेरा नाम कलंकित हो जाएगा, तुझे लोग उंगली बताएंगे और मैं तेरा अपमान होते हुए नहीं देख सकता प्रभु, मैं तेरे अपमान को सहन नहीं कर सकता, इसलिए मेरे खातिर नहीं, मेरे भगवान की, मेरे इष्ट की, मेरी स्वामी की लाज बचाने के लिए आज तुझे गाय को जिंदी जरूर करना पड़ेगा। नामदेव इस्लामी भाषा में परमात्मा को पुकारता है, तुझको आना पड़ेगा अल्लाह, तुझको आना पड़ेगा अल्लाह, अरे सुन यशोमती के लाला, तुझको आना पड़ेगा अल्लाह। अधम ने गौवा हंडा ली, तुम देखो नजर भर भला, तुमको आना पड़ेगा अल्लाह, आज तेरे को आना पड़ेगा। नामदेव ने तदाकार होकर परमात्मा में ध्यान जोड़कर गाय की परिक्रमा करने लगे। कुछ क्षण के बाद नामदेव को ऐसा भाव आया, विश्वास हुआ, नामदेव ने गाय की चद्दर हटाई, टूट गया तार, निकल गया फांसा, गाय घास खाती खुल्लम खुल्ला, तुझको आना पड़ेगा अल्लाह, गाय घास खाते हुई पाई गई। बादशाह ने दोनों कान पकड़ लिए, तोबा तोबा करे बादशाह, धन धन रे रसूल लल्ला, तुझे आना पड़ेगा, धन्य है नामदेव तेरी भक्ति को धन्य है। बादशाह भी नामदेव के चरणों में गिर गया तो उन सन्यासियों से कहा कि एक नामदेव को सताने में ये हाल हुआ, संत से परिचित थे। इस प्रकार सिंगाजी बाबा के अनंत चमत्कार हैं, चमत्कारों की कभी कथा गाएं तो बरसों बीत जाए, हर क्षण क्षण पर उनके चमत्कार, और जब क्या आज तक चमत्कार उनके घटित होते हैं, आज भी हजारों किलोमीटर दूर से उनको जो पवित्र मन से याद करता है आज भी उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये महिमा जब सिंगाजी बाबा की फैली, जगह जगह उस निर्गुण भक्ति की खुशबू फैलने लगी, सिंगाजी बाबा के अजागुरु ब्रह्मगीर बाबा, उन्होंने अपने शिष्य मनरंगीर को बुलाया कि भैया ये सिंगाजी कौन है जो गली गली निर्गुण की बात कर रहा है, उस ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लेकर घूम रहा है, उसके नाम की जय जयकार की ध्वनि हो रही है, ये गृहस्थ में ये अध्यात्म ज्ञान कहां से गया, इस क्षेत्र में तेरे अलावा कोई नहीं है, ये ज्ञान किसने दिया। तो ब्रह्मगीर बाबा अपने शिष्य को डरा रहे, उससे पूछ रहे, अरे महाराज सिंगाजी संत, महाराज सिंगाजी संत, अरे महाराज सिंगाजी संत, महाराज सिंगाजी संत, महाराज सिंगाजी संत, महाराज सिंगाजी संत, अरे महाराज सिंगाजी
बाता महाराज नारे बाता हरि गण के बगैर न बाता महाराज नारे बाता बजीर नाता महाराज नारे बाता हरि गण के बगैर न बाता महाराज नारे बाता कौन हुआ रे सम्राता अरे ब्रह्मेर को आयत राजा कौन हुआ रे सम्राता तारा जन्म बता दिया रे तारा अरे मन रंग को तारा जन्म बता दिया रे तारा निर्गुण की कर तो माता महाराज सिंगार दाता अरे निर्गुण की कर तो माता कर तो बाता महाराज सिंगाजे साता अरे निर्गुण के कर तो बाता महाराज सिंगाजे साता ज्ञान धारे को पाता कौने के आर पर गाता अरे ज्ञान धारे को पाता कौने के आर पर गाता शंकर ब्रह्मा और जाया वो सभी पार नहीं पाया अरे शंकर महाराज सिंगाजे साता अरे अनुभव के कर तो बाता महाराज सिंगाजे साता अनुभव की कर तो बाता महाराज सिंगाजे साता अरे अनुभव के कर तो बाता महाराज सिंगाजे साता जानू रे कबलाता कि ऐसा होया सम्राता मैं क्या जानू रे कबलाता कि ऐसा होया सम्राता एक दिन दिया उपदेशा उनसे कलिया रे सब झुकाता अरे मैं एक दिन दिया उपदेशा जिनसे कलिया रे सब झुकाता आनंद हाता महाराज सिंगाजे अरे जनियो पदार्थ महाराज सिंगाजे सा अरे जनिया पदार्थ हाता महाराज सिंगाजे सा अरे जनिया पदार्थ महाराज सिंगाजे सा पुरा भला जागा नवया नव मारग लागा जिनका पुण्या पूरा भला जागा नवया नव मारग लागा दिन मन मुआज कमाला जब खुली गए दसवा धारा दिन मन मुआज कमाला जब खुली गए दसवा धारा जागत जाता महाराज सिंगाजे साता अरे वो यो जागत जाता महाराज सिंगाजे साता अरे वो यो जागत जाता महाराज सिंगाजे साता अरे वो यो जागत जाता महाराज सिंगाजे साता सुनतलोपति तेरे भाई जाकाओ और नहीं जाए अरे सुनतलोपति तेरे जाए नका गुरु मिले सुखदाये जन सहज मुक्ति बताए गुरु मेरा सुखदाये सहज मुक्ति बताए नका गुरु मिले सुखदाये जन सहज मुक्ति बताए गुरु मिले सुखदाये सहज मुक्ति बताए पर्चा हुआ रे अड़चेता महाराज सिंगाजे साता अरे वो पर्चा हुआ रे अड़चेता महाराज सिंगाजे साता अरे वो पर्चा हुआ रे अड़चेता महाराज सिंगाजे साता अरे वो पर्चा हुआ रे अड़चेता महाराज सिंगाजे साता ओ महाराज सिंगाजे साता महाराज सिंगाजे साता ओ महाराज सिंगाजे साता 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 के बजीर नाता महाराज सिंगाजे साता के बजीर नाता महाराज सिंगाजे साता
भैया ये कौन सिंगा जी है? जिसमें शंकर ब्रह्मा जैसे उलझा गए उसका पार नहीं पाया, ये सिंगा जी कौन ग्रस्त है जो जगह जगह निर्गम की ज्ञान की नौबत बजा रहा है? पहले ज्ञान अधिकारी को दिया जाता था जो आश्रम के मठ के ब्रह्मचर्य सन्यासी का व्रत धारण करता था, उसी योग्य को उस योग्यता के ऊपर यह बख्शीश दी जाती थी। अपना ज्ञान ग्रस्त में कैसा गया ये तो अपने घर की चर्चा हो रही है, तेरे अलावा इस क्षेत्र में कौन है जिसने इस ज्ञान को दिया? मन रंगीर बाबा अपने गुरु महाराज से हाथ जोड़कर कह रहे कि प्रभु मैं क्या जानू गफलत कि ऐसा हो जाएगा साम्रत, मैंने तो खाली एक इशारा भर किया था, मुझे नहीं मालूम था कि इतना समर्थ हो जाएगा। महाराज जिनका पुण्य पूरब ला जागा उनको अनुभव मार्ग लगा, और जिनने मन मुआसी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली उनका दसम द्वार खुल जाता है। प्रभु इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो गफलत था, बेहोशी में मेरे से वो ज्ञान निकाल ले गया उसने। आज अध्यात्म विद्या ये निर्गुण ज्ञान अगर सिंगा जी बाबा उन सन्यासियों से ग्रस्त में नहीं लाते तो आज हमको ये ज्ञान सुनने को और समझने को नहीं मिलता। जय हो जय हो। का ठीक है पर उसको टेस्ट कर। अब ये जो बातें हमको सुनाई दे रही है, ये जय जयकार की जो ध्वनि हो रही है, उसके नाम की जो नौबत बज रही है, क्या ये बात हकीकत है? उस पे क्या वो खरा है? तू जरा जांच उसको। मन रंगीर बाबा चारखेड़ा आते हैं, जिसको आज से 500 वर्ष पहले रामनगर के नाम से जानते थे, वहां आए और उन्होंने एक जन्माष्टमी का पर्व मनाया। गुरु माहे माधन घन जग माहे, 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 गुरु माहे माधन घन जग माहे। गुरु बिना धर माया हर दुजना हे, गुरु बिना धर माया हर दुजना हे, गुरु बिना धर माया हर दुजना हे, गुरु बिना धर माया हर दुजना हे। गुरु मन रंग गया तभी करियो भाई, गुरु मन रंग गया तभी करियो भाई, गुरु मन रंग गया तभी करियो भाई। राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी आज हमारे बीच इस परचरी कथा में पधार रहे हैं। वो संत श्री मोहनदास बाबा
को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। कृपया मंच पर ज्यादा भीड़ न रखते हुए श्री दिग्विजय सिंह जी परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनके साथ हैं जनपद पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर ओम पटेल और भाई बंटी जोशी। आयोजक श्री जय नारायण यादव मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री जी का साल से सम्मान करेंगे। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु ने आसन लियो जाए, गुरु ने आसन लियो जाए, हेलो ना।
फेरियो दल सब साध बुलाए सिंगा जी को लिया बुलाए। वहां के कार्यक्रम का संचालन का काम सिंगा जी बाबा को सौंप दिया। नाना मत पंत के बहु रंग मचो, कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। हमारे निमाड़ खंड में श्री कृष्ण के ऊपर कृष्ण लीला की जाती है भादो के महीने में, जन्माष्टमी के पर्व पर। कृष्ण ने जो लीलाएं की है उस पर आधारित लीला। जब सुहांगी सुहांग ले आया जननी को बोलो सुधी न संभालो। गुरु महाराज सिंगा जी बाबा को कह दिया कि भैया कृष्ण को जब जन्म होए जब हमको जगह दीजो। और ध्यान मुद्रा में लेट गए। इधर नाटक चेटक शुरू हुआ। एक को राधा बना गया, एक को कृष्ण बनाया गया। कृष्ण पर धारावाहिक शुरू हुआ। खेल चल रहा है, नाना प्रकार की चाटक नेटक की बातें हो रही है। जो राधा बनी हुई थी, जिसके राधा का जो अभिनय कर रहा था, एक कार्टून नकलची जोखर जो होता है वो अपनी स्त्री को ढूंढते ढूंढते और जगत जननी जगदम्बा के कंधे पर हाथ रख दिया और कहने लगा मेरी स्त्री मिल गई, मेरी स्त्री मिल गई। सिंगा जी बाबा ने कहा कि ये कौन सी भक्ति है? अरे जिसको राधा बनाया जो जगत जननी जगदम्बा राधिका है उसको स्त्री सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये कौन सी भक्ति है? सिंगा जी बाबा ने उन नाटक चेटक बंद करवाया और जो राधा और कृष्ण बने हुए थे, सिंगा जी बाबा तो हर आत्मा में परमात्मा का निरीक्षण करते थे, वो राधा कृष्ण जो बने थे उनको आसन लगाकर उनमें कृष्ण को देखते हुए उनको आरती की, दूध का नैवेद्य लगाया, भोग लगाया। और गुरु महाराज ये रास्ता देख रहे थे, ये क्रिया हुई और गुरु जी जाग गए। गुरु जी जागे आप ही आपा और सिंगा जी को दियो श्राप। तो श्राप में क्या दिया? जन्माष्टमी अब नहीं आ रही, मरा मुआ हमको दिखलाओ के भैया हमने तो बोला था कि कृष्ण का जन्म हो जब हमको जगाना। तू इतना परम ज्ञानी हो गया कि हमारे से आगे हो गया, सब मंडलियों को तूने भगा दिया, हमारी आज्ञा की तूने अवहेलना की है। निमित्त बनाया गुरु ने, तूने हमको जगाया नहीं। गुरु महाराज आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की प्रभु, आपने जो आज्ञा दी है उसी का पालन कर रहा हूं। आपने मुझे आदेश दिया था कि कृष्ण का जन्म हो जब जगाना। अब कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, आज तो कृष्ण जन्म उत्सव मना रहे। अगर मैं तुमको जगाता और आप पूछते कि कृष्ण का जन्म कहां हुआ तो मैं आपको क्या जवाब देता? आज समाधि हो नहीं दे मतलब। हेलो, बागली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय पहाड़ सिंह कन्नौजे जी आज सिंगा जी भरतरी पुराण के इस अवसर पर यहाँ पर पधारे हैं। उनका जय नारायण यादव परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत।
आदरणीय विधायक जी, परम पूज्य संत श्री मोहनदास बाबा साहब से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री महेश जी दुबे, भारतीय जनता पार्टी मंडल बेकलिया सरकार के अध्यक्ष भाई सुनील पटेल जी, ठीक है, सिंगा जी तो दौड़ लागे गुरु जी के पाई, सिंगा जी तो दौड़ लागे गुरु के पाई, सिंगा जी तो दौड़ लागे गुरु जी के पाई, सिंगा जी तो दौड़ लागे गुरु जी के पाई। धन धन जान मसा पल मेरो हो, 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 हे गुरुदेव जय हो। धन्य है वो लोगों को दिखाने के लिए श्राप है, लेकिन सिंगाजी बाबा के लिए आशीर्वाद है। कोई गुरु इस धरा पर ऐसा नहीं हुआ आज तक जो अपने शिष्य की दुर्गति कर दे। हाँ, गुरु शुक्राचार्य ने एक आंख फुड़वाली शिष्य के बदले। राजा बलि को बामन रूप में भगवान जब छलने के लिए आए, गुरु ने चेताया कि ये तेरे को छलने के लिए आया है, ये विष्णु है। बलि ने कह दिया कि गुरुदेव अगर वो ब्रह्म मेरे द्वार पर अगर मांगने के लिए आया तो आज मैं सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हूं। जय हो, जय हो। पर गुरु तो गुरु है, अपने शिष्य को बर्बाद होते नहीं देख सकता। वो झाड़ी में जाकर बैठ गए और भगवान ने एक कांस का तिनका चलाया जिससे शुक्राचार्य की आंख जीरो हो गई। तो गुरु कभी अपने शिष्य को श्राप नहीं देख सकता। गुरु प्रसन्न हो गए शिष्य की भक्ति से कि मैंने जो जो ज्ञान मेरे शिष्य को दिया है इस पे ये 100% खरा उतरा है। मैंने जो निर्गुण की धारा, निर्गुण भक्ति इसके भीतर भूखी थी, ये बिल्कुल इस पर टका टक खरा है। गुरु ने खुश होकर आशीर्वाद दिया कि पंच तत्व और तीन गुण से जो शरीर बना है अष्टधा प्रकृति से, जा अब तू मुक्त हो जा, अब इस अष्टधा प्रकृति में तेरा जन्म कभी नहीं होगा। वो तिथि वाली जन्माष्टमी नहीं, जन्माष्टमी ये अष्टधा प्रकृति में हमारा सबका जो जन्म हुआ, अब तेरा जन्म न हो तू परम पद को प्राप्त हो जा। आशीर्वाद दे दिया। सिंगाजी बाबा दौड़कर और गुरु महाराज के चरणों में झूमने लगे। धन है गुरुदेव, बिरथा दे काल जो खावे, मुक्ति को संशय यो मिटाए। ये काल का भोजन है ये तो, परंतु आज जो मुक्ति में संशय था उसका भी आज निवारण हो गया। धन्य है गुरुदेव, आपसे मुख से निकली हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। गुरु महाराज घर आ गए और आज्ञा ली गुरुदेव से कि आपकी जो आज्ञा है वो शिरोधार्य है, उसको हमेशा मैं सिर पर रख कर रखूंगा। नहीं लटू नहीं लटू गुरु लटू रे गुरुदेव वाचा
कछु नहीं सेवा पलक की कछु नहीं सेवा बाबा पलक की कछु नहीं सेवा बाबा पलक की कछु नहीं सेवा लगा धुंधा पपैया आपकी आज्ञा कभी भंग नहीं होगी, आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं हो सकता, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, आपकी वाणी आपकी आज्ञा कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है। जैसे चातक नाम का पक्षी पपिया उस स्वाति बूंद के लिए अषाढ़ से जेठवाड़ी से स्वाति नक्षत्र तक प्यू 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 चिल्लाता है, क्योंकि वो यहां का जल नहीं पीता। स्वाति की चंद्रमा की किरण से स्वाति नक्षत्र में अमृत गिरता है और वो उस अमृत का पान करके और तृप्त होता है। जैसे उस स्वाति बूंद के लिए वो 11.5 महीने तक सुमिरन करता है, रट लगाता है, इसी प्रकार मैं आपके शब्द को रटूंगा। जैसे चांद सूरज
उज्जवल है, जिनमें एक रत्ती मात्र भी खोट नहीं है, मैं आपकी आज्ञा को ऐसे सुरक्षित रखूंगा। आपकी आज्ञा सिरोधार है। सिंगाजी बाबा आज्ञा लेकर पीपल्या आते हैं। 11.5 महीने व्यतीत हो जाते हैं। 11.5 महीने के बाद श्रावण शुद्ध अष्टमी के रोज अपने शिष्य श्यामगीर को पत्रिका लिखकर और मनरंगीर बाबा पीपल्या भेजते हैं कि 11.5 महीना हो गए, क्या सिंगाजी को शरीर से मोह हो गया? अभी तक शरीर का परित्याग किया नहीं। सिंगाजी संदेशो आयो, सिंगाजी संदेशो आयो, गुरु न भलो बचन फरमायो। श्रावण सुति पुनम छोड़ो देही, गुरु ने यही लिखी ना पठायो। श्रावण सुति पूर्णिमा के रोज तू अपने शरीर का पंचतत्व को पंचतत्वों में विलीन कर दे और अपने चिन्मय आत्मा को उस महाज्योति में जाकर विलीन कर दे। श्यामगिर बाबा पत्रिका लेकर आए। गुरु भाइयों में बड़ा प्रेम था। गुरु भाई का रिश्ता बड़ा अनूठा होता है क्योंकि वो स्रोत गुरु से जुड़ा हुआ है। ये शरीर का रिश्ता नहीं है, गुरु भाई का रिश्ता आत्मीय संबंध है, आत्मा का रिश्ता है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई कामना नहीं होती, जो सच्चे गुरु के प्यारे होते हैं, जिनको अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा और पूरी निष्ठा और सच्ची श्रद्धा है, उनके भीतर वो प्रेम होता है। श्यामगिर बाबा जब आए तो चिट्ठी को दबा ली। गुरु भाई से अपार प्रेम था, छुपा लिया। रात भर रुके, सुबह श्रावण शुद्ध नवमी का दिन था। जब वो वापस जाने के लिए तैयार हुए तो सिंगाजी बाबा ने जेब में हाथ डाला और वो पत्रिका निकाल ली कि भैया, गुरु महाराज ने मेरे लिए जो प्रसाद भेजा है उस प्रसाद को तूने छुपा लिया, मेरा मुझे भोगने दे। वहां गुरु महाराज तेरे से पूछेंगे तो तू जवाब क्या देगा, चल। पत्रिका देखी तो उसमें पूर्णमासी लिखी हुई थी। नका कि शिष्य का धर्म है कि गुरु आज्ञा दे उसके पहले काम कर लेना चाहिए, तो शिष्य गुरु आज्ञा से पहले कीजे नवमी को मंगल आयो। सिंगाजी संदेश हुआ। नवमी के ही रोज अपने श्यामगिर गुरु भाई को वापस लाए। सारी क्षेत्रीय जनता को एकत्रित किया, सब कुटुंबी जन को एकत्र किया, शिष्य संप्रदाय को एकत्रित किया और सिंगाजी बाबा ने कुंवारी गाय का गोबर बुलाकर और गुरु महाराज की जो पत्रिका था उसको गुरु समझकर उस पत्रिका की 5 परिक्रमा देकर पद्म आसन लगाकर 5 प्राणों को, 10 इंद्रियों को, 5-5 चीज प्रकृति को, तन्मात्राओं को एकत्रित करके, 4 अंतःकरण को इकट्ठे करके और उस परमपिता परमात्मा से ध्यान जोड़। तुझा सरीसा करिला साहेबा, तुझा सरीसा करिला रे, तुझा सरीसा करिला रे साहेबा, तुझा सरीसा करिला रे, तुझा सरीसा करिला रे साहेबा, तुझा सरीसा करिला रे, तुझा सरीसा करिला रे साहेबा, तुझा सरीसा करिला रे, सागर पार उतारिला साहेबा, तुझा सरीसा करिला रे, सागर पार हे परम पिता परमात्मा, अपनी बिंदु ज्योति को अब उस महाज्योति में ले जाने का प्रयास कर कि अब मेरी आत्मा जो तेरे से भिन्न हो गई है, अलग हो गई है, उसको तुझ में मिला ले।
तुझा सरीसा करी ले साहिबा और ये भाव सागर से मुझको पार उतार। अब तो फिरते फिरते निज मंथा का अब तो कीजे पयाना तेरे कारण लीनी फकीरी करती तेरी आसन। प्रभु ऐसा परम पिता परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी वृत्तियों को समेटते हुए और अध्यात्म जगत की यात्रा उस ब्रह्म पर्यंत तक जाने का रास्ता क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे। मन बड़ा शैतान है, इतनी उच्च स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति ने भी मन ने झोंका मार दिया। परिवार के कुटुंबी शिष्य संप्रदाय जब सिंगार बाबा अपने धाम की तैयारी करने लगे उस समय सबको कर्म आ गई, रोने गाने लगे, मन उनके तरफ झुकाव लेने लगा। मन का कभी भरोसा मत करना। पकड़ लिया मन को, वो तो जानते थे मन को सिंगाजी बाबा, तो मन को वहीं दबोच दिया। कहां जा रहा है, जा कहां रहा है? ये स्थिति बनाने के लिए कई जन्म बीत गए, जन्म जन्म मुनि यतन कराई अंतराम कई आवत नहीं। जन्म जन्म तक ऋषि मुनि यतन करते हैं तब भी ये स्थिति नहीं बनती। आज ये स्थिति बनी हुई है, मन तू उधर मोह की धार में मत जा। मत बय मोह की धारा रे हंसा, तू मत बय मोह की धारा, यो झूठो है संसार। भाई बंधु और कुटुंब कबीलो सब झूठो है परिवारा, झूठी अर्धंगी तोए भरमावे या नहीं उतरन देगी पारा। इनके चक्कर में मत आ, अब तो तू चढ़ी जा सोहम सीधी धारा। मन तू चढ़ी जा सोहम सीधी धारा, जहां लहरा उठत अपारा उस धार में चल जा, अपना घर मिल जाएगा। इसी प्रकार सिंगाजी बाबा अपने मन को अनेक प्रकार से समझाते हुए और मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र से सहस्त्र तार ब्रह्म रंध्र में अपने प्राणों को धर के, पांचों प्राणों को इकट्ठे करके, प्राण को अपान में मिलाया, अपान को प्राण में मिलाकर, दसों इंद्रियों को समेट कर, संपूर्ण वृत्तियों को इकट्ठी करके और उस महाज्योति में विलीन कर दिया। जय हो जय हो जय सिंगाजी महाराज की जय। राम नवमी पावा आज हम राम नवमी पावा। राम नवमी के रोज सिंगाजी बाबा ने अपने शरीर को उस महाज्योति में जाकर। ढुलमुल नारायण रोवे पर कृष्णा बाई को आंसू नहीं आवे। नारायण दास बाबा सिंगाजी बाबा के शिष्य ब्रह्म ज्ञान के जानने वाले, पर अपने गुरु का जब देह त्याग हुआ, गुरु बहुत बड़ी शक्ति होती है। गुरु वो शक्ति होती है कि एक नाले के कीड़े को, जो नाली में रेंगने वाला जो कीड़ा होता है, उसको भी भृंगी बना दे। कीट भृंगी सम हुआ सदगुरु का पद विश्राम, दास हरि मिश्री भया। गुरु की कृपा से, गुरु के परामर्श से एक कीट भी भृंगी हो सकता है, वो भी ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। गुरु जैसा शुभ चिंतक और परम हितेशी इस जीवन में हमारा और कोई नहीं। जय हो जय हो। कृष्णा बाई सिंगाजी बाबा को जोत में बैठे हुए देख रही है, तो वो जो लोग रोग आ रहे हैं उनको प्रमाण दे रही है, समझा रही है कि जोतम जोत समाना बंधो जोतम जोत समाना रे, जोतम जोत समाना बंधो जोतम जोत समाना रे, जोतम
पांच तत्व तीन गुण का माही पांच तत्व तीन गुण का माही सिंगाजी बाबा ने अपने चिन्मय ज्योति स्वरूप को महाज्योति में विलीन कर दिया। श्यामगिर बाबा समाधि की बड़ी लंबी कथा है, विस्तार से कहें तो समाधि की कथा तो 8 रोज में भी समाप्त न हो। संक्षेप में आप लोगों को सुनाई। अब श्यामगिर बाबा जब चारखेड़ा रामनगर पहुंचते हैं तो अपने गुरु महाराज को खबर सुनाते हैं कि गुरु महाराज आज तो आपने शिष्य आपके शिष्य ने आपका नाम रोशन कर दिया। आज जो आपने रास्ता दिखाया था उस मंजिल को प्राप्त कर लिया। पिपलिया में आनंद भयो गुरु जी तारा पिपलिया में आनंद भयो पिपलिया में आनंद भयो गुरु जी तारा पिपलिया में आनंद भयो पिपलिया में आनंद भयो गुरु जी तारा पिपलिया में आनंद भयो I'm not
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सिंगाजी महाराज की जय। सब लोग दो मिनट का मौन करेंगे ईमानदारी से, सारी चिंताओं का परित्याग करके, निर्विचार होकर, आत्माराम होकर, शरीर के तल से ऊपर उठकर। अजपा जप का ध्यान करें, श्वास खाली नहीं फेंकें, जाप ध्यान दोनों आंखों के मध्य में टिकाएं, त्रिकोटी। ये हमारा तीर्थराज प्रयाग है, टॉप सेंटर, जहां प्रयागराज में तीनों नदियों का मेल है। इसी प्रकार इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, तीनों नाड़ियां जब इकट्ठी होती है तो यहां ध्यान करने से तीर्थराज प्रयाग के स्नान का फल प्राप्त होता है। इससे मन में पवित्रता आती है। गुरुमुखी लोग अपना जाप करें, मनमुखी लोग राम मंत्र का जाप। अंदर श्वास जाए रा, बाहर आए मां। निर्विचार केवल्य भाव से आत्मा राम होकर खो जाओ, भुला दो सारे विषयों को, एक क्षण के लिए आत्मा राम हो जाओ। शांति शांति शांति। हेलो, जय श्री राधे। आप सभी के लिए आरती के पूर्व एक सूचना है।
आज हलवे का प्रसाद वितरण होगा, लेकिन आप सभी को अपने स्थान पर बैठकर ही प्रसाद प्राप्त करना है। कोई भी भगदड़ या लूट खसोट जैसी स्थिति ना निर्मित करें, उससे क्या रहेगा कि प्रसाद वितरण करने में दिक्कत आएगी। हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं, उनको आप सहयोग प्रदान करेंगे। हमारे बीच बागली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री पहाड़ सिंह जी कन्नौजे जी आज कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। वो मंच पर जाकर परम पूज्य गुरुदेव श्री मोहनदास बाबा साहब का पुष्पमाला से और साल श्रीफल से स्वागत करेंगे। उनके साथ बागली बेकलिया सरकार मंडल के अध्यक्ष सुनील पटेल, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष श्री महेश जी दुबे, श्री पुरुषोत्तम जी बियाणी, श्री नारायण जी व्यास, श्री नंद किशोर जी बाल्दी और खातेगांव क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय श्री कैलाश जी कुंडल पप्पू भैया भी आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। वो परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आरती करने के पश्चात आप सब अपने स्थान पर पुनः बैठ जाएंगे। प्रसाद यहीं पर आएगा और सभी के पास आएगा। प्रसाद पर्याप्त मात्रा में बनाया गया है। डॉक्टर अमर सिंह जी यादव साहब और सुरेश सिंह जी गुर्जर साहब जो इंदौर से पधारे हैं, वो भी मंच पर आकर परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री आर के यादव वकील साहब हरदा से भी निवेदन है कि वो मंच पर पहुंचकर परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। हरदा से जो भी उनके साथी पधारे हैं, वो भी मंच पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री निहाल सिंह जी भी मंच पर पहुंच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो भी मंच पर पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच लोहारदा से श्री लोकेंद्र जी जोशी, हमारे जनपद पंचायत के विधायक प्रतिनिधि श्री ओम उपाध्याय, श्री छगन लाल जी राठौर साहब जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आप सभी का यादव परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अमर के सरपंच जागेश्वर जी गौली भी मंच पर आकर परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद ले। बड़कन के सरपंच दिलीप गुर्जर, बड़ौदा के सरपंच भाई अशोक राठौर और भामर के सरपंच जागेश्वर जी गौली भी आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राधा कृष्ण जी वकील साहब हरदा मंच पर आकर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। ग्राम पंचायत डाबरी के सरपंच गोपाल भलावी मंच पर आकर परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। डाबरी के ही भाजपा नेता भाई जगदीश राठौर से भी आग्रह की वो मंच पर पधार कर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। डाबरी से भी आग्रह की मंच पर आकर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। पाटिल हरदा, श्री संदीप जी डाले हरदा, श्री संतोष गोर हरदा और प्रदीप यादव खातेगांव अतिशीघ्र मंच पर पहुंचकर परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। आरती की तैयारी हो चुकी है। आप सभी से जो आग्रह किया गया है, आरती के पश्चात सब अपने स्थान पर बैठेंगे और यहीं पर प्रसाद आएगा। जरा ये सामने जो खड़े हैं भैया, ये साइड हो जाए, हमको कोई समझ नहीं पड़ता। हाँ, ये सामने ध्वज है सिंगाजी बाबा का। हेलो, इसे छोड़कर आप जय हो थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे।
हमारे मुख्य यजमान जयनारायण जी कालूराम जी यादव आरती के लिए पहुंच रहे हैं मंच के समीप। हेलो सतगुरु सिंगा जी महाराज की जय, परचरी प्राण की जय। हरिओम संजोवार के काम देनो के
रवि बनागर घटा अंदर ललावे सोम सप्तुकी रवि बनाए घटा अंदर ललावे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मंत्रमूलं गुरुर्शब्दं ज्ञानमूलं गुरुर्मूलं पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देव देव सद्गुरु महाराज की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो गंगा मैया की जय हो नर्मदा मैया की जय हो भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की हनुमान जी महाराज की स्थान देवता की राम देवता की संत मंडली की विप्र मंडली की आज के आनंद की मातो नर्मदे